शिक्षा व्यवस्था। इस संवाद को मैं चाहता हूं कि देश के लिए कोई दिशा बनाने वाला, दिशा स्थापित करने वाला बन जाए। इस दृष्टि से मैं कुछ तथ्य आपके बीच रखना चाहता हूं। हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक बार अंग्रेजों ने बहुत गंभीर और खराब टिप्पणी की थी। सन 1931 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और अंग्रेजों की सरकार के साथ उनका वार्तालाप चल रहा था। अंग्रेजों की तरफ से जो गांधी जी से संवाद करने वाली टीम थी या उनका जो समूह था, उस समूह के जो बहुत प्रमुख लोगों में से एक, उन्होंने गांधी जी को एक बहुत खराब बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था तो कभी भी बन नहीं पाती। गांधी जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेज नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी होती, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले की भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। ये गांधी जी ने कहा। तो अंग्रेज अधिकारियों ने गांधी जी से कहा कि आप ऐसा किस आधार पर कहते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि मेरे देश को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, गांव-गांव में मैंने प्रवास किया है, वहां जो कुछ भी शिक्षा व्यवस्था के पुराने खंडहर दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भूतकाल में हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत मजबूत थी। उसी समय गांधी जी के साथ उन अंग्रेज अधिकारियों का विवाद हो गया और गांधी जी की गोलमेज यात्रा समाप्त होने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी तरफ से एक वक्तव्य जारी किया जो लंदन के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में छपा, और उसमें ये कहा गया कि गांधी जी को अपने देश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में गर्व है, लेकिन उनके पास इस बात का कोई आधार और सबूत नहीं है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के आने के पहले कैसी थी। ये गांधी जी के पास कोई प्रमाण नहीं है, लिहाजा हम मानेंगे नहीं कि गांधी जी की बात सही है। और इस तरह से उस पर एक बहस चल पड़ी। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने उस बहस को बंद नहीं किया और लगातार उसको जिंदा रखा। गांधी जी के जो बहुत नजदीकी लोगों में से काम करने वाले एक व्यक्ति जो इस समय भी जीवित हैं और जो भारत के बहुत प्रमुख इतिहासकारों में माने जाते हैं, उनका नाम है प्रोफेसर धर्मपाल। जब भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो प्रोफेसर धर्मपाल जो गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे, उन्होंने गांधी जी को पूछा कि अच्छा अब मेरा काम क्या है, आजादी आ गई, सरकार बन गई, अब बताइए मेरा काम क्या है। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, मैं 1931 में गोलमेज सम्मेलन में लंदन गया था, उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने मुझे ये कहा था कि भारत में अंग्रेज अगर नहीं आते तो भारत की शिक्षा व्यवस्था तो कुछ भी नहीं होती। मुझे ये बात सही नहीं लगती, लेकिन मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं है। मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं कि तुम भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जितने भी संभव हो प्रमाण इकट्ठे करो, दस्तावेज इकट्ठे करो, तथ्य इकट्ठे करो, और उसके आधार पर ये सत्य साबित करो कि अंग्रेजों से आने के पहले की भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। धर्मपाल जी ने गांधी जी के इस वाक्य को या गांधी जी के इस कथन को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया और वो भारत छोड़कर लंदन चले गए। लंदन के बाद दुनिया के कई देशों में घूमते रहे, फ्रांस में रहे, जर्मनी में रहे, यूरोप के देशों में 40 साल उन्होंने अध्ययन और अध्यापन किया। बहुत समय तक वो पढ़ाते रहे जीविका चलाने के लिए, कुछ पैसा बनाने के लिए, लेकिन मूल उद्देश्य ये था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी अंग्रेजों के आने के पहले, उसके प्रमाण एकत्रित करना, दस्तावेज एकत्रित करना और उनके आधार पर कोई अधिकार पूर्वक बात कहना। श्री धर्मपाल जी के 40 साल के अथक प्रयासों से कुछ हजार दस्तावेज मिले जो अलग अलग स्थानों से उन्होंने लिए। उनका एक साथ जब बैठकर विश्लेषण किया तो पता चला कि अंग्रेजों के आने के पहले की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश में एक घटना घटित हुई, वो इससे बहुत जुड़ी हुई है जो मैं कहने जा रहा हूं। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये थोड़े दिन पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गए थे
और इनको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। जिस दिन ये समारोह आयोजित हुआ था उस दिन मैंने उसका लाइव टेलीकास्ट देखा था, सीधा प्रसारण, और उस सीधे प्रसारण में लगभग मैं 2-2.5 घंटे बैठा रहा टीवी के सामने, देखता रहा कि क्या क्या हो रहा है। उस कार्यक्रम में 40 मिनट का तो व्याख्यान हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके अलावा कुछ दूसरी औपचारिकताएं हुई। मनमोहन सिंह जी ने जो व्याख्यान दिया इस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पदवी ग्रहण समारोह में, वो बहुत ही तकलीफ देने वाला था और किसी भी स्वाभिमानी भारतीय नागरिक को नीचा दिखाने वाला था। उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत ही यहां से की कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर अपनी सरकार बनाई, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर शिक्षा व्यवस्था दी, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर न्याय व्यवस्था स्थापित की, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय लोगों को विज्ञान सिखाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय नागरिकों को विज्ञान और तकनीकी का अंतर समझाया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा हमें बताई, और ऐसा ही वो 40 मिनट बोलते रहे। अगले दिन क्या हुआ, लंदन के सभी समाचार पत्रों में हमारे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये वक्तव्य छपा, और इस वक्तव्य के साथ सभी समाचार पत्रों में संपादकीय टिप्पणी भी छपी, और ज्यादातर समाचार पत्रों के संपादकीय में ये लिखा गया कि हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने सन 1945 में भारत के बारे में ये कह दिया था कि ये देश आजाद होने लायक देश नहीं है, और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कल लंदन में व्याख्यान देकर ये सिद्ध कर दिया कि भारत आजादी के इतने साल के बाद भी अभी मानसिक रूप से गुलाम है। जिस देश का प्रधानमंत्री अभी भी अंग्रेजों के गुणगान करता हो, उस देश की प्रजा की मानसिक गुलामी की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह खूब लंबी संपादकीय टिप्पणी उस पर की गई। मेरे कुछ दोस्तों ने वो संपादकीय टिप्पणियां अलग अलग अखबारों से काट कर भेज दिया। उसके बाद मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक पत्र लिखा जो लगभग 250 पेज का है, वो पत्र नहीं एक किताब हो गई, और मैंने उनसे कहा कि हमें बड़ी शर्म आती है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो भारत के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमें शर्म आती है कि आप भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारतीयता का कुछ समझने की भी जीवन में कोशिश नहीं की है। भारत अंग्रेजों के पहले कैसा था, भारत की शिक्षा अंग्रेजों के पहले कैसी थी, भारत की तकनीकी और विज्ञान अंग्रेजों के पहले कैसा था, हमारा भारत अंग्रेजों के पहले उद्योग और व्यापार में किस स्थान पर दुनिया में टिका हुआ था, ये सब बातें अगर आप दस्तावेजों के आधार पर जरा समझें और जानें तो बहुत अच्छा होगा, आप अगली बार ऐसा गुलामी का वक्तव्य देने से बचेंगे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैंने ये जो पत्र लिखा, ये पत्र मनमोहन सिंह के कार्यालय में पहुंचा और एक लाइन का उत्तर आया कि आपका पत्र मिला और हम उसको कार्यवाही के लिए भेज रहे हैं। अब कहां भेज रहे हैं कार्यवाही के लिए, मैंने तो लिखा था हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और उसमें पत्र तो एक ही पन्ने का था, बाकी 249 पन्ने के तो दस्तावेज जो ये सिद्ध करने के लिए मैंने उनके पास भेजे कि आप पहले इन दस्तावेजों को पढ़ें और देखें कि अंग्रेजों के आने के पहले का भारत कैसा था, शिक्षा व्यवस्था के स्तर पर, तकनीक और विज्ञान के स्तर पर, उद्योग और व्यापार के स्तर पर, हर स्तर पर, चिकित्सा व्यवस्था के स्तर पर, जहां तक भी संभव हो मैंने उसमें जानकारी दी। उसमें से एक हिस्से की छोटी जानकारी मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी और जिस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी उस समय यूरोप की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा काम जिन्होंने किया है वो कुछ अंग्रेज ही है। एक अंग्रेज अधिकारी भारत में आया जो लगभग 40 साल यहां रहा, उसका नाम था विलियम एडम। विलियम एडम बहुत उच्च स्तर का अधिकारी था, अंग्रेजों की जो संसद का एक हिस्सा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें बहुत दिनों तक वो सांसद था, और भारत में उसको बहुत उच्च स्तर का अधिकारी बनाकर भेजा गया था। उसकी हैसियत इतनी बड़ी थी
कि वो भारत में आकर अगर गवर्नर को या वायसराय को कोई सुझाव दे दे तो वायसराय उसको कानून बनाने के लिए मजबूर होता था। विलियम एडम इस स्तर का अधिकारी था। उस विलियम एडम के नीचे काम करने वाले कुछ अधिकारी थे, जिनमें से एक था मैकॉले, टीवी मैकॉले। मैकॉले की तो आपने बार बार चर्चा सुनी है, बार बार नाम भी सुना है, लेकिन विलियम एडम के बारे में शायद आप में से कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये मैकॉले का बॉस था। मैकॉले भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में जितना भी अभ्यास करता था वो अपने इमीडिएट बॉस विलियम एडम को भेजता था। तो विलियम एडम ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट लगभग 1700 कुछ पन्ने की है, 1780 पन्ने हैं उस रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट संसद में पेश की गई, संसद माने अंग्रेजों की संसद में, हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश की गई, और इस रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। विलियम एडम की रिपोर्ट में से कुछ तथ्य मैं आपको देता हूं जो इस समय अंग्रेजी संसद के रिकॉर्ड्स पर हैं। आप जानते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो भी बहस होती है वो सभी रिकॉर्ड में रहती है, और जो रिकॉर्ड में आ जाती है वो उनका डॉक्यूमेंट्स बन जाती है, दस्तावेज बन जाती है। और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक प्रेस है जिसको हंसार्ड कहते हैं, वो जरूरत पड़ने पर समय समय पर ये डॉक्यूमेंट्स को प्रकाशित करती रहती है। तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर विलियम एडम की रिपोर्ट, जिसमें जगह जगह पर मैकॉले की दी गई टिप्पणी, मैं पहले मैकॉले की एक छोटी सी लाइन आपको सुना देता हूं। मैकॉले और विलियम एडम भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अंग्रेजों की संसद में जब बात कर रहे हैं तो घंटों घंटों उन्होंने बात की है। एक दिन रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी, ये टीवी मैकॉले 2 फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा होकर भाषण दे रहा है और कह रहा है कि मैंने भारत का उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरा इलाका घूम लिया है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मैंने भारत का नहीं देखा है, और मैंने भारत का बाहरी क्षेत्र भी देखा है, आंतरिक क्षेत्र भी देखा है। देखने के बाद मैं जो कह रहा हूं आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको कहूंगा, उसको मैं अपने अंदर रोक नहीं सकता। सत्य क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि संपूर्ण भारत को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में घूम लेने के बाद उसने अंग्रेजी का एक मुहावरा इस्तेमाल किया है, आई हैड ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ माने सब भारत मैंने देख लिया, मैंने पूरा भारत देख लिया, और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि भारत देश में आज तक कहीं भी भिखारी देखने को नहीं मिला, कोई बेरोजगार आदमी देखने को नहीं मिला, गांव के किसी कोने में किसी स्थान पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति न मिला जो किसी पर पराश्रित हो। आज तक मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को भारत में नहीं पाया जो अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता हो। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1835 में वो बोल रहा है, आज से लगभग आप कल्पना करें तो 170 साल पहले बोल रहा है। तो 170 साल पहले इस देश में कोई भिखारी नहीं था, जरा ध्यान से सुनिए इस बात, कोई भिखारी नहीं, कोई बेरोजगार नहीं। फिर वो कहता है टीवी मैकॉले कि मैंने दुनिया के बहुत शहर देखे हैं, पेरिस देखा है, बर्लिन देखा है, हैम्बर्ग देखा है, मॉस्को देखा है, फ्रैंकफर्ट देखा है, शिकागो देखा है, न्यूयॉर्क देखा है, लंदन तो अपना है ही, बार बार देखा है, लेकिन इन सभी शहरों की कुल संपत्ति भारत के एक शहर से भी बहुत कम है। तो उसको पूछा गया प्रश्न कि बताओ वो कौन सा शहर है, तो कहता भारत का एक शहर सूरत, और यूरोप के सारे शहर एक बाजू में, तो भी सूरत इन सभी पे भारी पड़ता है, इतनी संपत्ति, इतना धन मैंने उस शहर में देखा है। और वो कहता है कि इतना धन और संपत्ति जिस समाज के पास हो उस समाज को गुलाम बनाना एकदम मुश्किल है। वो ये कहता है, मैं ये तो नहीं कहता कि असंभव है, लेकिन मुश्किल बहुत है। फिर वो कहता है कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सरकार को, कि अगर भारत को गुलाम बनाना हो तो इनका वैभव, इनका धन, इनकी संपत्ति को खत्म करो। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सांसद उसको पूछ रहे हैं कि भारत का धन, भारत का वैभव और भारत की संपत्ति को खत्म करने के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है, तो कहता है भारत की शिक्षा व्यवस्था को खत्म करो। वो कहता है कि भारत में जितना भी धन है, संपत्ति है, वैभव है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था के कारण है।
तो कोई सांसद पूछ लेता है कि अच्छा बताओ भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, तो कहता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहला सत्य यह है कि यहां निरक्षरता नहीं है, माने लिटरेसी कंप्लीट। तो उसको पूछा गया क्या संपूर्ण भारत में एक जैसा है, तो कहता है दक्षिण भारत में लिटरेसी 100% है। दक्षिण भारत का माने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो कहता है दक्षिण में तो 100% है, पश्चिम भारत में 98% है, 98% है, उत्तर भारत में लगभग 82% के आसपास है, मध्य भारत और बचे हुए भारत में लगभग 87% के आसपास है। तो मैं कह सकता हूं कि लगभग भारत साक्षर है। उसी समय एक दूसरा सांसद खड़ा होकर पूछता है कि अच्छा आप ये बता सकते हैं कि इंग्लैंड की स्थिति क्या है, तो उनका ये मैं तो नहीं बता सकता, एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हैं वो बताएं। तो एजुकेशन मिनिस्टर खड़े होकर बोलते हैं कि जब भारत की साक्षरता लगभग 100% है, उस समय इंग्लैंड माने तीन राज्यों का समूह, अभी जिसको आजकल ब्रिटेन कहा जाने लगा है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और न्यू साउथ वेल्स मिला के, तो वो कहते हैं कि ये जो तीन राज्यों का समूह है जिसको ब्रिटेन कहा जाता है, इसमें कुल साक्षरता 17% भी नहीं है। 17% भी नहीं है, 17% माने 17। तो फिर पूछ रहे हैं कि भाई कारण क्या है इसका, भारत में इतनी साक्षरता और हमारे यहां कुछ भी नहीं। तो वो कह रहा है टीवी में कॉले कि इस समय भारत में 7,32,000 रेवेन्यू विलेजेस हैं, राजस्व वाले गांव। तो नॉन रेवेन्यू वाले, उसने कहा वो मुझे नहीं मालूम। वो कह रहा 7,32,000 राजस्व गांव हैं और ऐसा एक भी राजस्व गांव नहीं है जहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं है। तो फिर उसको प्रश्न पूछा गया कि क्या भारत के लोग इसको स्कूल कहते हैं, तो उनका नहीं नहीं मैंने कहा है स्कूल, भारत के लोग इसको गुरुकुल कहते हैं। उसने गुरुकुल को स्कूल में ट्रांसलेट किया है। बाद में वो कहता है कि शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो गुरुकुल के बराबर हो, तो मैं स्कूल कहता हूं। तो हम ऐसा मान लें कि मैकॉले बोल रहा है 2 फरवरी 1835 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कि भारत के 7,32,000 गांवों में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर गुरुकुल ना हो। इसका अर्थ क्या है? हर गांव में एक गुरुकुल है। फिर उसको पूछा गया इस गुरुकुल में क्या होता है, तो उनका पढ़ते हैं। तो कितने विद्यार्थी हैं? तो उसने कहा सबसे बड़ा गुरुकुल मैंने देखा है वो 20,000 विद्यार्थियों का है, और जो सबसे छोटा गुरुकुल मैंने देखा है वो 200 विद्यार्थियों का है। माने जो गुरुकुलों के बड़े होने का अंदाजा हम लगाना चाहें तो 200 विद्यार्थियों से लेकर 20,000 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल इस देश में चलते हैं 1835 के आसपास। फिर वो पूछ रहे हैं कि ये जो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल है, इसकी व्यवस्था कैसे होती है? ये तो बहुत बड़े विद्यार्थियों का समूह है, कैसे पढ़ाते हैं, व्यवस्था कैसे होता है? तो वो कहता है कि भारत के इन सभी गुरुकुलों में मॉनिटोरियल एजुकेशन होती है। मॉनिटोरियल एजुकेशन का मतलब हम सब समझते हैं कि आचार्य ने किसी विद्यार्थी वर्ग को तैयार किया, मान लीजिए उसमें 50 विद्यार्थी, अब वो 50 विद्यार्थी अपने से नीचे वालों को पढ़ाएंगे, और वो 50 विद्यार्थियों ने जिनको पढ़ाया वो उनसे अपने नीचे वालों को पढ़ाएंगे। तो वो कहते हैं कि एक आचार्य अगर है और उसके साथ 50-60 विद्यार्थियों का समूह है जिनको वो नियमित रूप से पढ़ाते हैं, तो वो 20,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल आराम से संभालते हैं। और उसने परिभाषा दिया है कि जो आचार्य 20,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को संभालते हैं उनको भारत में कुलपति कहा जाता है। कुलपति, कुलपति माने 20,000 विद्यार्थियों के समूह की शिक्षा व्यवस्था करवाने वाला व्यक्ति, उसको कुलपति कहा जाता है। फिर उसको पूछा गया है कि ये जो गुरुकुल चलते हैं इनमें विद्यार्थी हैं वो किस वर्ग के हैं? तो वो कहता है कि भारत के नागरिक 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वो कहता है कि ये सभी विद्यार्थी इन समूहों में से आते हैं।
तो एक अंग्रेज उसको पूछ रहा है कि हमने तो कभी सुना था कि भारत में ज्यादा शिक्षा ब्राह्मणों के लिए है। वो कहता है नहीं, दस्तावेज बताते हैं कि ब्राह्मणों के लिए भी शिक्षा है, वैश्यों के लिए भी है, क्षत्रियों के लिए भी है और शूद्रों के लिए भी है। तो फिर उसको पूछ रहे हैं कि क्या तुम परसेंटेज में ये बता सकते हो कि ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, शूद्र कितने हैं। तो वो कहता है कि दक्षिण भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें शूद्रों की संख्या सबसे ज्यादा है और पश्चिम भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें वैश्यों और ब्राह्मणों की संख्या लगभग बराबर है और उत्तर भारत के जितने गुरुकुल हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या क्षत्रियों की है और बाकी जो तीन हैं ब्राह्मण वैश्य और शूद्र ये लगभग बराबर हैं और मध्य भारत में लगभग सब बराबर है। तो कुछ लोग चौंक जाते हैं, वो ये कहते हैं ये कैसे संभव है कि शूद्रों की संख्या दक्षिण भारत के गुरुकुलों में सबसे ज्यादा है। तो वो कहता है शूद्रों की ही नहीं, दक्षिण भारत के गुरुकुलों में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। तो वो एक उत्तर दे रहा है प्रश्न का जिसमें वो बोल रहा है कि दक्षिण भारत के गुरुकुलों में लगभग 58% लड़कियां हैं और 42% लड़के हैं। तो फिर उसको पूछा गया ये कैसे संभव हो रहा है भारत में, तो कहता है कि इट क्वाइट नेचुरल, ये स्वाभाविक है क्योंकि दक्षिण भारत में महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। और वो कह रहा है वैसे तो भारत में सभी जगह लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है और आप जानते हैं कि 1881 में अंग्रेजों ने जब पहला सेंसस कराया, पहला जनसंख्या सर्वेक्षण कराया, तो उसमें भी रेशियो यही निकलता है, महिलाएं लगभग 53% हैं और 47% पुरुष हैं। तो वो कह रहा है कि गुरुकुलों में दक्षिण में लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ती हैं। फिर वो पूछ रहा है कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए जो अध्यापक हैं, तो वो कहता है कि वो सब महिलाएं ही हैं, लड़कों को पढ़ाने के लिए पुरुष हैं, लड़कियों को पढ़ाने के लिए महिलाएं हैं। तो फिर उससे पूछा जा रहा है कि ये जो अध्यापक पढ़ाते हैं इनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर है क्या, तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों के साथ उच्च अध्ययन केंद्र जुड़े हुए हैं जहां पर इन अध्यापकों को तैयार किया जाता है और तैयार होने के बाद वो गुरुकुलों में पढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। हर गुरुकुल के साथ एक उच्च अध्ययन केंद्र है। फिर उसके साथ पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ भारत के इन स्कूलों में, माफ करो गुरुकुलों में क्या विषय पढ़ाए जाते हैं, तो वो गिना रहा है कि 18 विषय पढ़ाए जाते हैं। सबसे ज्यादा किस विषय पर जोर दिया जाता है, तो वो कहता है कि भारत के गुरुकुलों में सबसे ज्यादा गणित पढ़ाया जाता है। तो ये गणित कौन सा पढ़ाया जाता है, तो वो कहता है वैदिक गणित पढ़ाया जाता है। तो फिर अंग्रेज पूछ रहे हैं कि हमारे यहां एक कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, तो उनका भारत वाले उसको पढ़ते नहीं है और उसमें उनकी ज्यादा रुचि भी नहीं है, वो वैदिक मैथमेटिक्स में ज्यादा रुचि लेते हैं। फिर दूसरा कौन सा विषय है जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है गणित के बाद, तो कहता दूसरा सबसे ज्यादा बड़ा विषय है खगोल शास्त्र, इसको सब भारतवासी पढ़ते हैं। फिर तीसरा कौन सा विषय है, तो वो कहता है मेटलर्जी माने धातु विज्ञान। फिर चौथा कौन सा विषय है, तो वो कहता है कि कारीगरी, कारीगरी माने जो विभिन्न तरह की कारीगरियां गांव में रहती हैं, हमारे सभी गांव में 18 तरह के कारीगर होते हैं, कोई लोहे का काम करने वाला, कोई लकड़ी का काम करने वाला, कोई बांस का काम करने वाला, कोई मिट्टी का काम करने वाला। तो वो कह रहा है कि सभी गुरुकुलों में ये कारीगरी पढ़ाई जाती है, 18 विषय उसमें अलग है। फिर वो पूछ रहा है कि इसके आगे के विषय बताओ, तो कहते हैं वो कि एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ाते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स समझते हैं, मॉडर्न साइंस का विषय है और भारत में 1835 में सभी गुरुकुलों में ये पढ़ाया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स। फिर और क्या पढ़ाते हैं, तो कहते हैं रसायन शास्त्र पढ़ाते हैं। रसायन शास्त्र के साथ और क्या पढ़ाते हैं, तो कहता है चिकित्सा शास्त्र पढ़ाते हैं। चिकित्सा शास्त्र में क्या विषय है, तो वो कहता है औषधि विज्ञान एक है और शल्य क्रिया दूसरा है,
माने सर्जरी है और मेडिसिन है, और ऐसे ऐसे करके वो 18 विषय को गिनाता है। तो फिर वो पूछते हैं कि कैसे संभव है कि भारत के विद्यार्थी ये 18 विषय पढ़ लेते हैं। तो वो बताता है कि भारत के विद्यार्थियों को गुरुकुल में जब प्रवेश मिलता है तो वो सामान्य रूप से 5 वर्ष के होते हैं, और जब वो गुरुकुल से पढ़कर निकलते हैं तो उनकी उम्र 21 और 22 वर्ष की होती है। लगभग उनको इतना समय मिलता है 15 साल का जितने में वो सब पढ़ लेते हैं। तो फिर उनको पूछा गया कि ये विषय कैसे पढ़ाए जाते हैं, रोज पढ़ाए जाते हैं? तो उसने कहा नहीं नहीं, रोज नहीं पढ़ाए जाते, एक एक करके पढ़ाए जाते हैं। एक एक करके पढ़ाए जाते हैं माने एक विषय लिया और उसको पूरे 1 साल पढ़ाया, या 8 महीने पढ़ाया, या 9 महीने पढ़ाया। जब वो पूरा हो गया तब उसको छोड़ा, फिर दूसरा विषय लिया, फिर तीसरा विषय लिया, ऐसे करके 15-16 साल में सब विषय पढ़ाए जाते हैं। फिर वो पूछ रहा है परीक्षा कैसे होती है? तो उनका भारत में परीक्षा होती नहीं है, परीक्षा नहीं होती है। तो कैसे पता चलता है? वो पूछ रहे हैं बहुत सारे एमपीज के इवैल्यूएशन का तरीका क्या है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो आचार्य और शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों को जब एक विषय पूरा पढ़ा देते हैं तो उसी के आधार पर उनके कौशल को जानने के लिए, हुनर को परखने के लिए कुछ काम उनको दे दिए जाते हैं। वो काम कितनी कुशलता से करते हैं इसके आधार पर तय होता है। ये नहीं है कि क्लासरूम में बैठकर 3 घंटे का कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्लासरूम में रट लिया है और आंसर शीट पर वॉमिटिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भारत में। उसने मजाक में कहा है लेकिन यह गंभीर है समझने के लिए। तो उसको पूछा गया है कि अच्छा आप जरा बताओ कि हमारी इंग्लैंड की स्थिति क्या है, अगर ऐसी शिक्षा भारत में है तो इंग्लैंड में? तो कहता है जी इंग्लैंड में तो अभी 70% ही साक्षरता नहीं है। और वो कह रहा है कि जब भारत में 7,32,000 गुरुकुल है तो पूरे इंग्लैंड में कुल मिलाकर 240 भी स्कूल नहीं है, और जो स्कूल है उनमें गणित पढ़ाना तो किसी को नहीं आता है, वो एक ही विषय पढ़ाते हैं और वो है बाइबल, और कुछ पढ़ाने को इनको नहीं है। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया विलियम एडम की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, तो मैंने इंग्लैंड के पिछले 400 साल के इतिहास के दस्तावेज इकट्ठे किए, तो पता चला कि इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी तक तो कोई भी स्कूल नहीं था। आप जरा ध्यान से सुनना इन बातों, 16वीं शताब्दी तक तो कोई स्कूल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई है तब उनके यहां एक स्कूल खुला था चर्च के पिछवाड़े में, गैरेज में, गैरेज समझते हैं जहां गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, एक गैरेज हुआ करता था जो मुश्किल से 15-20 फीट लंबा, 15-20 फीट चौड़ा, लंदन के एक चर्च में। ये लंदन में आप कभी जाएं तो उनका जो स्क्वायर है जहां पर उनकी पार्लियामेंट है उसके बगल में वो चर्च आज भी है, तो उसकी पीछे के हिस्से में एक छोटे से में स्कूल खुला था जो उनको पढ़ाता था बाइबल। तो बाइबल पढ़ाने वाले स्कूल उनके यहां शुरू हुए, उसके पहले तो कोई स्कूल ही नहीं था। तो इंग्लैंड और यूरोप के इतिहास क्या बताते हैं शिक्षा के बारे में, तो आप जरा सोचो और सुनो। यूरोप का जो सबसे बड़ा इतिहासकार, सबसे बड़ा दार्शनिक, सबसे बड़ा फिलोसोफर, सबसे बड़ा सब कुछ, जो यूरोप में भगवान के अगला अवतार माना जाता है, उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो सबसे महान, वो ये कहते हैं ये तो ईश्वर का ही अंश है, माने ईसा मसीह के बाद यूरोप में अगर किसी की इज्जत है तो वो प्लेटो की है। प्लेटो के बारे में यूरोप के सारे अर्थशास्त्री, सारे के सारे दूसरे शास्त्री, चाहे वो फिजिक्स वाले हों, केमिस्ट्री के हों, बॉटनी के हों, जूलॉजी के हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के, सब मानते हैं द होल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन इज ए फुट नोट ऑफ प्लेटो। मतलब यूरोप की पूरी सभ्यता जो है ना प्लेटो के फुटनोट जैसी है, माने प्लेटो ने जितना कुछ लिख दिया है वो किसी पुस्तक के फुटनोट में अगर है तो उतनी ही पूरी यूरोप की सभ्यता है। मतलब यूरोप की सभ्यता का जनक प्लेटो ही है। प्लेटो ने अपनी जिंदगी में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से दो का जिक्र करता हूं। एक पुस्तक उसकी जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित हुई है, द रिपब्लिक, गणतंत्र, और दूसरी पुस्तक जो बहुत चर्चित है पूरी दुनिया में, लॉज, LAWS, लॉज।
ये दो किताबें प्लेटो की सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी पढ़ाई जाती हैं, बहुत चर्चा होती है। द रिपब्लिक में प्लेटो लिखता है कि शिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती, शिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती। समाज का जो प्रभु वर्ग है, प्रभु वर्ग से मतलब सरकार चलाने वाला वर्ग, राजा और राजा के नजदीक, इन्हीं को शिक्षित होना चाहिए, बाकी को शिक्षित होने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? तो वो कहता है कि राजा और राजा के नजदीक का जो वर्ग है उसको आदेश देना है, बाकी को तो सब, शिक्षा की जरूरत तो सिर्फ राजा को है और राजा के नजदीकी लोगों को है। ये जो प्लेटो ने कहा, प्लेटो के बाद जो दूसरा उसका ग्रेट 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 फिलोसोफर या उसका ग्रेट ग्रेट स्टूडेंट अरिस्टोटल, अरिस्टोटल कहता है कि मेरा जो गुरु बोल गया है उसी पर मैं सहमत हूं, शिक्षा की जरूरत सभी को नहीं होती। समाज का जो प्रभु वर्ग है, माने जो संचालन करता है राज्य का, उसके राजा, मंत्री, मंत्रियों के नजदीकी अधिकारी, बस इनको पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं। अरिस्टोटल के बाद जितने भी फिलोसोफर आए हैं, और लेटेस्ट रूसो, देकार्ते, लेबिनिट्स, ये सब अपनी अपनी किताबों में लिख रहे हैं शिक्षा की जरूरत किसी को नहीं होती, अगर जरूरत है तो थोड़ा राजा को है। माने यूरोप में प्लेटो के समय से चली हुई विचारधारा आज 18वीं शताब्दी के सभी दार्शनिकों तक सतत चली आई है, शिक्षा सबके लिए नहीं है, सिर्फ राजा के लिए और प्रजा के लिए। प्रजा को जरूरत नहीं है शिक्षा की, राजा के नजदीकी लोगों को जरूरत है। तो फिर ये शिक्षा कैसे पूर्ति की जाए? तो प्लेटो लिखता है रिपब्लिक पुस्तक में ही कि राजा को अगर अपने बच्चों को शिक्षा दिलवानी है, या खुद को शिक्षा लेनी है, या उसके मंत्रियों को शिक्षा दिलवानी है, तो इसके लिए स्कूल नहीं चाहिए। कोई शिक्षक को पकड़ लाइए, राजा को महल में आके पढ़ा देगा। कोई शिक्षक को पकड़ लाइए, राजा के बच्चों को उसके घर में पढ़ा देगा। कोई शिक्षक को पकड़ लाइए, मंत्रियों को वहां पढ़ा देगा, स्कूल की क्या जरूरत है? तो फिर प्लेटो को कई बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है कि स्कूल क्यों नहीं चाहिए, तो कहता ये फालतू का खर्चा है। वो ये कहता है स्कूल बनाने से अच्छा है एक बनाओ ऐसा स्थान जहां पर मनोरंजन हो सके, स्कूल की क्या जरूरत है? घर में आके कोई पढ़ा देगा, क्या जरूरत है स्कूल की? तो इसलिए इंग्लैंड में, इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में 16वीं-17वीं शताब्दी तक एक भी स्कूल नहीं खोला गया। बाद में क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी का असर जैसे जैसे बढ़ा यूरोप में, आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी यूरोप में 2000 साल पहले ही आई है, उसके पहले यूरोप क्रिश्चियन नहीं था। यूरोप की छोटी छोटी जातियां, जनजातियां होती थीं जो 1000 से ज्यादा हैं, समूह हैं छोटे छोटे, वो अपना अपना धर्म और संस्कृति माना करते थे। उनके यहां ईसाइयत क्या होती है मालूम नहीं, 2000 साल से ईसाइयत आई है। तो जब ईसाइयत का बहुत प्रचार हुआ और समाज और ईसाइयत के बीच में संघर्ष हुआ, तब उन्होंने बाइबल स्कूल्स शुरू किए और वो बाइबल स्कूल पूरे इंग्लैंड में फैले, फ्रांस में, जर्मनी में फैले। तो वो कह रहा है टीवी में कॉले कि हमारे यहां तो कुछ स्कूल चलते हैं, वहां सिर्फ बाइबल पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता, और बाइबल भी पढ़ाई जाती है तो संडे को पढ़ाई जाती है, बस मंडे से सैटरडे छुट्टी रहती है। और उन स्कूलों को इंग्लैंड के दस्तावेजों में संडे स्कूल्स कहा जाता है, और ये स्कूल शुरू हुए हैं और आज तक चल रहे हैं। आप यूरोप में कहीं भी जाइए, संडे स्कूल्स आपको मिलेंगे जहां पर आप बाइबल पढ़ सकते हैं। बाइबल में न्यू टेस्टामेंट पढ़ाते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ाते हैं, दो ही चीजें पढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। गणित क्या होता है, फिजिक्स क्या होती है, केमिस्ट्री क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है, सर्जरी क्या होती है, मेडिसिन साइंस, ये कुछ उनको 18वीं शताब्दी तक मालूम नहीं है। ऐसा गरीब देश है इंग्लैंड और उनकी ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। जो उनका पहला स्कूल खुला है, जिसमें मुश्किल से 250 स्क्वायर फीट की जगह है, उसमें उन्होंने पहली ही बार में 250 विद्यार्थी ले लिए। अब 250 स्क्वायर फीट में 250 विद्यार्थी कैसे बैठते होंगे, कल्पना कर लो आप, कितना स्पेस होगा उनके पास। एक शब्द इस्तेमाल होता है अंग्रेजों के यहां, ब्रीदिंग स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है। वो कह रहा है मैकॉले
कि हमारे तो बाइबल स्कूलों में ब्रीदिंग स्पेस भी नहीं है, माने हर विद्यार्थी को घिचपिच में बैठना पड़ता है, जगह नहीं है उनके पास। लेकिन भारत के एक एक गुरुकुल तो 5-5 हेक्टेयर में बने हुए हैं। 1 हेक्टेयर में लगभग 5 एकड़ होते हैं, 25 एकड़ में गुरुकुल बने हुए हैं। और वो कह रहा है कि भारत के बहुत सारे गुरुकुल रेजिडेंशियल हैं, जहां पर विद्यार्थियों को रहने और खाने की व्यवस्था है, और कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जो डे स्कूल की तरह से चलते हैं, विद्यार्थी सुबह आते हैं, शाम को पढ़ के अपने घर वापस जाते हैं। फिर वो उसको पूछा जाता है कि भारत के विद्यार्थियों को ये सारी की सारी जो शिक्षा दी जाती है, इसका कोई वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है? तो वो बहुत सुंदर उत्तर दे रहा है, जो हमें इस पे रिसर्च आज जरूरी है करना। वो ये कह रहा है कि भारत के विद्यार्थियों को 2 चीजें पढ़ाई जा रही है, एक तो शिक्षा है, दूसरी विद्या है। अब वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता शिक्षा कौन सी है, विद्या कौन सी है। लेकिन मैं जितने भी गुरुकुलों में गया हूं, पूछता हूं क्या पढ़ते हो, तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं हम शिक्षा ले रहे हैं, कुछ कहते हैं हम विद्या ले रहे हैं। ये विद्या क्या है, शिक्षा क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये हर गुरुकुल में मुझे सुनाई देता है। अब हमको समझना चाहिए कि शिक्षा और विद्या ये 2 अलग चीजें होती हैं। आज के समय में हमने इन दोनों का खिचड़ी बना दिया है, और ऐसा खिचड़ी बना दिया है कि उसमें से चावल और मूंग की दाल को बीन पाना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। नाम सब है विद्यालय और काम कर रहे हैं शिक्षालय का, है कि नहीं? कोई भी विद्यालय ले लो, 1, 2, 3 नाम विद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, ये विद्यालय, काम सब शिक्षालय का कर रहे हैं, नाम विद्यालय रखा हुआ है, ऐसा घालमेल कर दिया। शायद ये मैकोले का असर है, क्योंकि मैकोले को शिक्षा और विद्या में अंतर नहीं मालूम था, हमें भी नहीं मालूम है। हम जानते नहीं है कि विद्या क्या होती है और शिक्षा क्या होती है। विद्या जो है ना, अपनी जिंदगी को अध्यात्म के रास्ते पर ले जाने वाली, अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाली, आत्मा का परमात्मा से मेल कराने वाली, मनुष्य शरीर छूटने के बाद हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इन सब बातों को सिखाने वाली, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, श्रेय क्या है, अश्रेय क्या है, छोड़ने वाला क्या है, ग्रहण करने लायक क्या है, ये सब ज्ञान देने वाली या विवेक देने वाली, ये तो है विद्याएं। और बाकी हमने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, हमने ये फिजिक्स पढ़ लिया, हमने ये कॉमर्स सीख लिया, हमने वो, ये है सब शिक्षा। तो कह रहा है कि भारत के सभी गुरुकुलों में विद्या है और शिक्षा है, लेकिन वो उसको इतना समझ में आ गया है कि ये जो विद्या है वो शिक्षा से ऊंची है, इसलिए भारत में गुरुकुल में जाने वाला सभी अपने को विद्यार्थी कहता है, शिक्षार्थी कोई नहीं कहता अपने को, क्योंकि मूल जो वो सीखने आया है वो कुछ और सीखने आया है, खाली गणित सीखने नहीं आया है, या खाली कॉमर्स सीखने नहीं आया, या खाली मेटलर्जी सीखने नहीं आया, विद्या सीखने आया है, इसलिए विद्यार्थी कहलाना वो पसंद करता है अपने आप को। और वो कहता है कि जितनी ऊंची कल्पना भारत में है विद्या और शिक्षा की, हम तो उसके दूर दूर कहीं नजदीक तक नहीं है। फिर उसको पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि भारत में हायर स्टडीज सेंटर हैं क्या? तो कहता हाँ हैं। कितने हैं? तो संख्या गिना रहा है 15,800 कुछ। हायर स्टडीज सेंटर का मतलब क्या है? हायर स्टडीज सेंटर का माने विश्वविद्यालय। उनकी जो परिभाषा है ना, उस परिभाषा में विश्वविद्यालय, हायर स्टडीज सेंटर। हमने तो कुछ 2-4 नाम सुने हैं, एक नालंदा का हुआ करता था, एक तक्षशिला का हुआ करता था, लेकिन 1835 में मैकोले बोल रहा है अपने पार्लियामेंट में कि 15,800 विश्वविद्यालय। और वो ये कह रहा है कि ये जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये किसी एक विषय के निपुण हैं, कोई एक विषय। जैसे वो नाम लिख के बता रहा है, मेरे पास ये सब नाम है 15,800, और उसकी सीडी है, अगर एलसीडी प्रोजेक्टर हो तो मैं आपको दिखा सकता था, वो लैपटॉप मेरे पास अभी है, उसमें सब फीड किया हुआ है। एक विद्यालय है, माफ करिए, विश्वविद्यालय है अमरावती विश्वविद्यालय। अमरावती विश्वविद्यालय मशहूर है किस बात के लिए? वो मेटलर्जी के लिए मशहूर है, धातु विज्ञान सिखाया जाता है,
और पूरा विश्वविद्यालय धातु विज्ञानियों से भरा हुआ है। और धातु विज्ञान कई तरह का है, जैसे कच्चे लोहे से फौलाद बनाना, जैसे जमीन में से लोहा तांबा सिल्वर माने चांदी और सोना, ये जो दूसरी दूसरी बेशकीमती धातुएं निकलती हैं इनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए ये सिखाने वाला। माने आज जो हमारे यहाँ आईआईटीज में सिखाया जाता ना मेटलर्जी में, वही वहां उस समय यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता। फिर वो कह रहा है एक विश्वविद्यालय में गया था, कांगड़ा विश्वविद्यालय, कांगड़ा माने हिमाचल, तो वो किसके लिए मशहूर है, तो कह रहा है ये सर्जरी के लिए मशहूर है। तो उसको पूछा जा रहा है कि किस तरह की सर्जरी होती है, तो कहता है जी हम सोच नहीं सकते वैसी सर्जरी होती है। और उसको उसने शब्द दिया है जिसको आज के इक्विवेलेंट अगर मैं कहूं तो राइनोप्लास्टी। राइनोप्लास्टी सर्जरी का लेटेस्ट साइंस है 21वीं शताब्दी का, जिसमें आपके शरीर के किसी अंग के चमड़े को निकालकर किसी दूसरे अंग पर लगा दिया जाए। और ये 1835 में वो बोल रहा है कि कांगड़ा विश्वविद्यालय में तो ये सब सिखाया जाता है और सब सीखते हैं राइनोप्लास्टी। तो वो कहता है मैंने मेरी आंखों से एक ऑपरेशन देखा है जिसमें पैर के नीचे के हिस्से से माने घुटने से नीचे के हिस्से से चमड़ी निकालकर नाक पर लगाई गई, और वो कहता है 21 दिन में वो पूरा ठीक हो गया है, पता ही नहीं चलता है कि इसका कोई ऑपरेशन हुआ है। ग्राफ्टिंग जिसको कहते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग, और ये 1835 में भारत में होता है। कांगड़ा विश्वविद्यालय का उसने लंबा डिस्क्रिप्शन किया है कि मैंने ऐसा देखा मैंने वैसा देखा। फिर इसी तरह एक अंग्रेज अधिकारी है वो खड़ा होकर चिल्लाने लगता हाँ मैंने भी देखा है, कर्नल कूट उसका नाम। जैसे ही उसने सुना तो वो भी खड़ा हो गया, उसने कहा मैंने भी देखा है, एक बार मैं भारत देश गया था, हैदर अली के साथ मैंने युद्ध लड़ा था, हैदर अली ने मुझे परास्त कर दिया था, मेरी नाक काट दी थी, मैं कटी हुई नाक लेके वहां से भागा था, और बेलगाम नाम का भारत में कोई एक गांव है वहां के एक वैद्य ने मेरी नाक का ऑपरेशन किया था और जोड़ दिया था, और अभी वो नाक मेरी ऐसी है। वो खड़े होकर बोल रहा, तो उसको सब सांसद पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम्हारी नाक ही काटी थी सिर क्यों नहीं काटा, क्योंकि तुम तो परास्त हो गए थे तो तुम्हारा सिर क्यों नहीं काट दिया। तो वो कहता है भारत के राजा बड़े दयालु हैं, उनके मन में बड़ी दया है, दुश्मन को भी पूरा मारते नहीं है, अंग भंग करके छोड़ देते हैं, और भारत में नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी की बात है, हमारे यहां ऐसा कुछ। तो ये कर्नल कूट के जो कहे हुए और मैकॉले के कहे हुए, इन दस्तावेजों से अंदाजा लगता है कि सर्जरी कोई बहुत ऊंचे स्तर की थी। फिर इन सर्जरी को करने वाले जो आचार्य होते थे उन आचार्यों के उपकरण कैसे हैं उसका वो डिस्क्रिप्शन कर रहा है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सामान्य रूप से सर्जरी का एक आचार्य, आचार्य माने आज का MS मास्टर ऑफ सर्जरी, उस जमाने का आचार्य, तो वो कहते हैं कि सामान्य रूप से एक आचार्य के पास कम से कम 500 इंस्ट्रूमेंट्स तो होते ही हैं। वो कहता है बीसियों तरह की तो उनके पास क्लिप्स हैं, ये जो दो वाली होती है ना पकड़, बीसियों तरह की, और सभी उच्च स्तर के लोहे से बनी हुई जिनमें कभी जंग नहीं लगता। फिर वो कहता भारतवासी बिना जंग का लोहा बनाना तो 10वीं शताब्दी से जानते हैं, हमने उनसे ही सीखा है, हमको लोहा बनाने की तकनीक भारत से ही आई है, और ऐसा लोहा बनाना जानते हैं जिसपे कभी जंग नहीं लगती। वो आज भी कभी देखना हो तो चले जाइए, मेहरौली का खंभा खड़ा हुआ है। वो कहता है इनको ऐसा लोहा बनाना आता है तो इंस्ट्रूमेंट अच्छे अच्छे बना लेते हैं। और वो एक मजे की बात कह रहा है कि जिस समय इंग्लैंड में हम चिकित्सा कराते हैं अपनी कोई बीमारी की, तो उस समय 1835 में इंग्लैंड में चिकित्सा क्या होती है जरा सुनिए, और यहां कोई एलोपैथी डॉक्टर हैं तो वो जरा ध्यान से सुने। 1835 में इंग्लैंड में चिकित्सा व्यवस्था होती है तो क्या है, एक ही चिकित्सा है उनके पास, हिप्पोक्रेटिस मेडिसिनल सिस्टम। एक हिप्पोक्रेटिस नाम का कोई आदमी हुआ इंग्लैंड में ईसा से करीब 250 साल पहले, सॉरी ग्रीस में हुआ, इंग्लैंड में नहीं ग्रीस में हुआ। तो उसने कुछ सिद्धांत दिए हैं, वही सिद्धांत एलोपैथी का मूल आधार है सारे के सारे सिद्धांत। तो हिप्पोक्रेटिस क्या कहता है, वो कहता है शरीर में कोई भी बीमारी घुस गई तो उसका एक ही कारण है कि रक्त आपका दूषित हो गया है,
कोई भी बीमारी हो, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, खांसी हो गई, आपको डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, लंग इन्फेक्शन, कुछ भी हो गया, तो हिप्पोक्रेटिस एक ही बात में डायग्नोसिस देता है कि आपका रक्त दूषित है। अब इस दूषित रक्त को निकालो शरीर में से, यही चिकित्सा। तो वो कहता है कि भारतवासी चिकित्सा कैसी करते हैं और हमारे डॉक्टर कैसी करते हैं। वो कहता है कि जब मुझे बुखार आता है और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूं तो वो मेरी हाथ की नस काट देता है और उसमें से खून निकलने लगता है, और वो कहता है ये खून जब तक निकलेगा नहीं तब तक बुखार तुम्हारा खत्म होगा नहीं। कभी कभी मुझे डर लगता है कि खून के साथ जान ना निकल जाए मेरी। और वो ये कहता है कि भारत में जो चिकित्सा व्यवस्था है इतनी अद्भुत है कि कुछ बुखार आ जाए, कितने से भी कितना बुखार आ जाए, वो कुछ चूर्ण खिला देते हैं और अगले दिन बुखार ठीक हो जाता है। अच्छा, ये जो कहानी उसने कही है, ये कहानी जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी कही है। आप जानते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति, और बल्कि पहले राष्ट्रपति, सबसे पहले राष्ट्रपति, अमेरिका की आजादी के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन। आपको मालूम है उनकी मृत्यु कैसे हुई? उनको आया बुखार। तो ये जो हिप्पोक्रेटिस मेडिसिनल सिस्टम है ना, हाँ, एक ही सिस्टम है उनके पास, हिप्पोक्रेटिस मेडिसिनल सिस्टम, जिस पर उनके आप बहुत थीसिस लिखे गए हैं, बहुत काम हुए। तो उनको आ गया बुखार, और बुखार हो गया बहुत, 103 104 डिग्री। तो उनका डॉक्टर आया और उनके दोनों हाथों की नस काट गया, हाँ, और कहा कि ये खून बहने दो, अभी मैं सवेरे आऊंगा आपको देखने। तो दोनों हाथों की नस कटी और रात भर में इतना खून बह गया कि सवेरे जॉर्ज वॉशिंगटन मरे हुए मिले। ये है मॉडर्न एलोपैथिक सिस्टम। और मैकॉले कह रहा है कि जिस समय हम तो सिर्फ नस काट के खून निकाल के इलाज करते हैं, भारत के लोग पता नहीं क्या क्या जड़ी बूटियों से चूर्ण बनाते रहते हैं, पाउडर बनाते रहते हैं। और वो कहता है कि इनके कॉम्बिनेशन इतने परफेक्ट हैं कि एक दो बार ही खाना पड़ता है, उसके बाद खाना ही नहीं पड़ता। फिर उसको पूछा गया, क्या तुमने कोई लिस्ट बनाई है ये जो चूर्ण में कॉम्बिनेशन है इसके? तो वो कहता है, हाँ, मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, उसमें कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हैं, कुछ रूट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं। तो वो पूछ रहे हैं कितनी संख्या हो गई है? तो उसने कहा 16,000 तो हो गई है, पता नहीं आगे कितनी जाएगी। उस जमाने में तो कुछ लोग आश्चर्य से पूछ रहे हैं कि ये जो शिक्षा है, वहां चिकित्सा भी दे रहे हैं, सर्जरी भी दे रहे हैं, मेटलर्जी भी दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, क्यों दे रहे हैं? तो वो कहते हैं, भारत के सभी आचार्य कहते हैं कि जीवन एकांगी नहीं है। अब ये देखिए, ये फिलॉसफी की बात, जीवन एकांगी नहीं है, और चूंकि एकांगी नहीं है तो इसमें सब तरह के ज्ञान की जरूरत होती है। तो हर विद्यार्थी को सभी तरह का ज्ञान होना चाहिए, विशेषज्ञता उसको किसी एक में होनी चाहिए, ज्ञान उसको सब तरह का होना चाहिए। तो कहता है कि जो प्राइमरी लेवल की ज्ञान है वो सबको दी जाती है, मेडिसिन की, सर्जरी की, मेटलर्जी की, मैथमेटिक्स की। जब वो विद्यार्थियों की रुचि उत्पन्न हो जाती है तो किसी एक विषय में उनको विशेषज्ञ बना दिया जाता है, और फिर वो विद्यार्थी समाज में चला जाता है, उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, विद्या पूरी हो जाती है, फिर वो समाज को अपनी सेवाएं देता है। और वो एक बहुत महत्व की बात कह रहा है कि भारत के विद्यार्थी इन सब गुरुकुलों से जब पढ़कर निकलते हैं तो उनको संकल्प कराया जाता है, संकल्प कराया जाता है। और संकल्प क्या कराया जाता है? तो उनको ये कहा जाता है कि देखो, ये जो ब्रह्मांड जगत है, वो उसको अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक से नहीं कर पाया, कहीं गलती है वो मैंने ठीक कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके समझ की बाहर है जो हमारी समझ के लिए सामान्य है, क्योंकि हर सभ्यता में कुछ बातें विशेष होती हैं जो दूसरी सभ्यता में नहीं मिलती है। तो बाहर वाला आकर उसको जिस चश्मे से देखेगा, हमारा चश्मा उससे बिल्कुल अलग होगा। तो वो कह रहा है कि भारत में ऐसा बोलते हैं, मानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड जगत है इसमें मनुष्य ही नहीं है, मनुष्येतर बहुत सारे प्राणी हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, और सब भारतवासी मानते हैं कि सब में आत्मा है, सब में आत्मा है। और प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कर जरा इसका सोचो, वो रिपब्लिक में लिख रहा है और लॉज में उसको रिपीट किया है, वो ये कहता है आत्मा सिर्फ राजा में होती है, प्रजा में आत्मा ही नहीं होती। प्लेटो का है ये, मेरा नहीं। वो कहता है आत्मा सिर्फ राजा में है, प्रजा में आत्मा है ही नहीं, इसलिए कानून सब प्रजा के लिए है, आदेश देने का अधिकार राजा को है।
और प्लेटो तो कहता है कि राजा के मुंह से जो निकल गया वही कानून, प्रजा को उसी का पालन करना है। अच्छा, फिर प्लेटो ने स्ट्रेटिफिकेशन किया है कि राजा तो एक वर्ग है, उसके नीचे के वर्ग के उसने वर्गीकरण किया है कि प्रजा में पहला कौन, तो कहता है कि ये जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, धंधा करने वाले, ये पहले स्तर के। दूसरे स्तर पर कौन, तो अध्यापक हैं और कारीगर हैं और म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं, पेंटर हैं, आगे आदि दो। तीसरे नंबर पर कौन, तो तीसरे नंबर पर खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं वो। चौथे नंबर पर कौन, तो कहता है स्त्रियां, महिलाएं, वो चौथे नंबर पे। आखिरी पांचवा कोई नंबर नहीं है वहां। तो वो कहता है प्लेटो कि मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि प्रजा में गलती से आत्मा आ गई तो स्त्रियों में तो कभी नहीं आती। इसलिए वो लॉज में लिख रहा है कि कभी भी किसी न्यायाधीश को किसी स्त्री की गवाही पर विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को सत्य का ज्ञान नहीं है, उसको विवेक नहीं है, क्योंकि उसको आत्मा नहीं। तो आप जानते हैं ये जो मॉडर्न जस्टिस माने जुडिशियल सिस्टम निकला, जिसमें से आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी आया और हमने बिना सोचे समझे उसको अपने देश में अपनाया, इस जुडिशियल सिस्टम में 1950 तक किसी महिला की गवाही को माना ही नहीं जाता था। यूरोप में अदालत में चलने वाले किसी भी मुकदमे में किसी महिला की गवाही नहीं मानी जाती थी। तो क्या हुआ, फिर यूरोप में एक बगावत हुई जिसको वीमेंस लिव कहा जाता है, स्त्री मुक्ति, और इसका नेतृत्व किया एक फ्रांसीसी लेखिका ने, उसका नाम था सिमोन द बोवार। उसके एक गुरु हुआ करते थे जॉन पॉल सार्त्र, जिनको आधुनिक दार्शनिकों में बहुत ऊंचा स्थान मिला हुआ। तो सिमोन द बोवार ने सालों साल आंदोलन चलाया, तब फ्रांस में इतना हुआ कि किसी तीन स्त्री की गवाही एक पुरुष के बराबर है, इतना हुआ, बस इतना ही हुआ। और उसके बाद सिमोन द बोवार मर गई और वो कहती थी कि मैं इतना ही करा पाई, यही मेरे लिए बहुत है कि कम से कम अदालत ने तीन महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर तो मानी। और प्लेटो चूंकि ये कहता था कि स्त्री में आत्मा नहीं होती है, तो 1950 तक यूरोप के किसी भी देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट डालने का तो छोड़ दो, बैंक में अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था किसी महिला को। अकाउंट खुलेगा तो उसके पति का खुलेगा, महिला का नहीं खुलेगा। और जो विधवा है तो उसके बेटे के नाम से खुलेगा, महिला के नाम से नहीं खुलेगा। जो बेटा ही नहीं है तो पड़ोसी के बेटे के नाम से खुलेगा, हां उसके नाम से बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता। और 1950 तक यूरोप के किसी भी शहर में महिला घर से अकेली नहीं निकल सकती, क्यों, आत्मा नहीं है तो पता नहीं कहां जाएगी। तो उसलिए उसके साथ में पुरुष का होना जरूरी है, वो चाहे 3 साल का ही क्यों ना हो। और प्लेटो ने लिख दिया ना स्त्री में आत्मा नहीं होती, तो सारे यूरोपियन दार्शनिकों ने कहा है कि स्त्री तो मेज कुर्सी जैसी होती है, जब तक इस्तेमाल करो अच्छी लगती है, नहीं लगती बाहर फेंक दो, दूसरी ले आओ। ये है उनकी फिलॉसफी। तो मैकॉले ये सब वर्णन कर रहा है कि हम तो सोच ही नहीं सकते हैं हमारे यहां महिलाएं गुरुकुल की आचार्य हो सकती है। वो कह रहा है भारत में आधे से ज्यादा गुरुकुलों की आचार्य महिलाएं, आधे से ज्यादा। और वो कह रहा है कि ये सिर्फ गुरुकुलों की नहीं, हायर स्टडीज सेंटर में भी यही है। तो उसको पूछा जा रहा है कि ये भारत में ऐसा कैसे हो गया, महिलाओं को इतनी शिक्षा मिल गई, इतनी ऊपर आ गई। तो वो कहते हैं भारत वाले बिल्कुल विचित्र हैं, ये कुछ और मानते हैं, हम मानते हैं कि स्त्री में आत्मा नहीं होती, भारत वाले कहते हैं कि स्त्री परमात्मा के सबसे नजदीक होती है, क्योंकि उसमें पुरुष से कुछ गुण ज्यादा होते हैं। हमारे सभी शास्त्रों में आप ये देख सकते हैं, चाहे ऋग्वेद में देखना हो तो देख लीजिए, ऋग्वेद के कई सूत्र ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि स्त्री पुरुष से ऊंची है क्योंकि उसमें ईश्वरीय गुण हैं। और आज की जो मॉडर्न साइंस है ना, इसने इसको दूसरे तरह से कहा है कि स्त्री में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, वही सारा खेल खेलता है।
पुरुष में नहीं है। स्त्री तय करती है कि बच्चा होगा या नहीं होगा, पुरुष में कोई दम नहीं है। तो ये आज की मॉडर्न साइंस कहती है। हमारी साइंस तो बहुत पहले कह चुकी है कि स्त्री ईश्वर के सबसे नजदीक है। हमारे कई शास्त्रों में ऐसे सूत्र हैं जो ये कहते हैं कि जब समाज को ये पता ना चले कि क्या करना क्या नहीं करना, तो स्त्रियों से पूछो, वो बताएंगी कि क्या करना। क्यों? क्योंकि उनको फंक्शनल नॉलेज सबसे ज्यादा होती है। फंक्शनल नॉलेज हम समझते हैं जो क्रियात्मक ज्ञान है, जिससे कुछ हो जाता है, ऐसा ज्ञान उनको सबसे ज्यादा है, और फालतू ज्ञान पुरुषों को बहुत होता है। और उसका तमाशा देखना हो तो भारत की संसद को देख लो। देखा आपने संसद में जो पुरुष सांसद हैं वो मां बहन की गालियां देते हैं और स्त्री सांसदों को चुपचाप निकल जाना पड़ता है। भारत में पता है क्या मान्यता है? भारत में मान्यता यह है कि भाषा का विकास स्त्रियों ने ही किया है। भाषा का विकास स्त्रियों ने ही किया है, पुरुष की ताकत नहीं है भाषा का विकास करने। क्यों? क्योंकि भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाएं पता है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली माने बंगला, आसामी, उड़िया, ये सब भारतीय भाषाएं, और हिंदी उर्दू मिलने से पहले। अभी तो हिंदी हिंदी नहीं रही है, उसमें बहुत कुछ उर्दू घुस गई है, फारसी पता नहीं क्या क्या घुस गया। तो हिंदी उर्दू मिलने से पहले और बाकी सब भारतीय भाषाएं। आपको मालूम है इनमें गालियां नहीं है, एक भी गाली नहीं है। और गाली नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि ये भाषा स्त्रियों ने ही रची है। हाँ, क्योंकि स्त्रियों में कितना भी गुस्सा हो गाली नहीं निकलती उनके मुंह से, क्योंकि ईश्वरीय गुण है उनमें कुछ। तो मैकॉले कह रहा है कि भारत में स्त्री ईश्वर के नजदीक है, परमात्मा के नजदीक है। और वो एक सूत्र सुना रहा है, पता नहीं उसको कहां से मिल गया। वो कहता है भारत के लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री के बिना मोक्ष नहीं होता। और ये एक दिन मुझे भी अनुभव हुआ है। मैं दक्षिण भारत में गया था एक गांव में व्याख्यान देने। वो गांव में एक मंदिर है, बड़ा मशहूर मंदिर है। मैंने सोचा मैं भी दर्शन करूं, तो पुजारी ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैं पूछा क्यों? कि आप ब्रह्मचारी हैं। मैं पूछा तो क्या हुआ, ब्रह्मचारी हूं अंदर नहीं जा सकता? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? कि आप पवित्र नहीं है। मैं पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा पवित्रता तो स्त्री के आने के बाद ही आती है। हाँ, और वो ब्रह्मचारी ने इतनी गंभीरता से कहा कि मैं देखने लगा उसका चेहरा, ये बोल क्या रहा है। तो उसने कहा कि स्त्री के जीवन में आने के बाद ही पुरुष पवित्र होता है, उसके पहले तो वो लंपट होता है। तो मंदिर में मुझे घुसने नहीं दिया उसने। और वो कहता आप तो क्या, हजारों साल से यहां कोई भी व्यक्ति बिना पत्नी के मंदिर में गया नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कभी हो तो सोचूंगा। तो मैं वापस चला आया। ये बात को मैकॉले बोल रहा है वहां कि भारतवासी बोलते हैं कि मोक्ष स्त्री के साथ ही होता है। और हमारे सभी ऋषि मुनि गृहस्थ थे, सदगृहस्थ थे, ब्रह्मचारी नहीं थे। मैंने जितने ऋषि मुनियों को आज तक पढ़ा है, सबको तो नहीं पढ़ा लेकिन जितने को पढ़ा है, सब गृहस्थ थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम कोई ऊंची चीज है हमारे। तो ये वो बोलता है कि जब ऊंची चीज आपके पास है तो उससे और ऊंची प्राप्त करने की ताकत है, जो ऊंची नहीं है तो ज्यादा ऊंची तो मिलेगी नहीं। तो भारत में तो स्त्री का ये हैसियत है कि वो अगर नहीं है तो परिवार नहीं है, समाज नहीं है, संस्कार नहीं है, भाषा नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए भारत में स्त्रियां तो बहुत ऊंची है। फिर वो कहता है कि हमारे यहां इंग्लैंड में तो गांव गांव में स्त्रियों को मारते पीटते हैं, जला भी दे देते हैं। आपको मालूम है यूरोप में 2500 साल एक परंपरा चली है विच हंटिंग। बहुत किताबें लिखी गई हैं इस पर, बहुत लिखा। विच हंटिंग समझते, विच माने क्या कहना चाहिए हिंदी में, डायन, डायन, डायन कहते हैं ना, डायन को ढूंढना और उसको मारना,
ये बहुत बड़ा खेल चलता था यूरोप के सभी देशों में, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, सब देशों में, और 2500 साल चलता था। गांव में ढूंढ ढूंढ के ऐसी महिलाओं को मारा जाता था जिनके पति की मृत्यु हो गई हो, तो मान लिया जाता था ये तो हो गई है और इसको हंट करना है, माने मार देना है, उनको जिंदा जलाना, कभी उनको जमीन में खड्डा खोद के गाड़ देना, बाल पकड़ के उनको खींच लेना, तरह तरह के अत्याचार उनके ऊपर होते थे। और किस देश में किस साल में कितनी महिलाओं को विच हंटिंग किया गया, इसके रिकॉर्ड्स आजकल मैं इकट्ठे कर रहा हूं। तो हमारे यहां जब सती प्रथा की कहानी चर्चित हुई ना विलियम बेंटिंग के द्वारा, उसी साल में इंग्लैंड में 2700 से ज्यादा महिलाओं को डायन कह के मार डाला गया, उसी साल में। अब हुआ क्या कहानी में कि विलियम बेंटिंग ने अपने देश में जो 2500 से ज्यादा महिलाओं को डायन मरवाया कह के, उसकी चर्चा तो की नहीं आज तक, एक किसी महिला को इस देश में डायन सिद्ध करके मरवा दिया, उसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि भारत के सभी गांवों में यही होता है। और विलियम बेंटिंग को तो कुछ समझ भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी। अभी थोड़े दिन पहले इस प्रश्न का मुझे उत्तर मिला। भारत देश में आप जानते हैं कि 4500 से ज्यादा वनवासी जातियां हैं, 4556 है कुछ वनवासी जातियां, जैसे गोंड हैं वो एक वनवासी जाति है, ऐसे ही गोंड जैसे 4500 से ज्यादा समूह हैं। इनके बीच में मैं पिछले कुछ सालों से घूम रहा हूं और मैंने वहां देखा कि सती का मतलब क्या होता है, सती कहते किसको है। एक बार गोंड लोगों के एक बहुत बड़े सम्मेलन में मैं गया और वहां किसी को सती किया जाना था, मैंने कहा चल के देखूं ये होता क्या है सती होना। तो वहां हुआ ये था कि एक महिला के पति का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, और पति का स्वर्गवास हो गया तो उसकी अंतिम यात्रा के लिए गांव के लोग जा रहे हैं। अंतिम संस्कार वो ऐसे ही करते हैं जैसे हम करते हैं, अग्निदाह करते हैं, लकड़ियां इकट्ठी करते हैं। तो मैंने देखा कि उसकी पत्नी आती है और उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करती है और संस्कृत के मंत्र बोलते हैं, कभी कभी उनको भूल जाए तो वो अपनी भाषा के मंत्र बोलने लगते हैं, लेकिन मंत्र उच्चार होता है, बराबर होता है, पूरे समय होता है, जितने समय तक लाश जलती है तब तक वो मंत्रोच्चार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो मंत्रोच्चार हो रहा है, पत्नी उसकी प्रदक्षिणा कर रही है, तो एक चक्कर उसने लगाया और उनकी अपनी भाषा में सबके सामने हाथ जोड़कर कहा कि आज मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, समाज में ऐसा कौन सा समूह है जो मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, वो प्रश्न पूछ रही है। और बड़े सुंदर शब्दों में वो कह रही है कि भारत के शास्त्रों ने हमेशा स्त्री को सुरक्षित रहना ये आवश्यक, क्योंकि उसको जीवन बढ़ाना है तो इसलिए उसको सुरक्षा की जरूरत है, प्राकृतिक सुरक्षा भी चाहिए, दूसरे तरह की भी सुरक्षा चाहिए। क्या मेरी बेटियां जिम्मेदारी लेंगी? बेटियों ने हां बोल दिया तो आ जाएगी, नहीं बोला तो फिर चौथा चक्कर लगाएगी। फिर वो पूछेगी कि क्या समाज के प्रतिष्ठित लोग, जिनको हम क्या कहें, महाजन, महाजन लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर उन्होंने हां बोल दिया तो आ जाएगी, ना बोल दिया तो फिर चक्कर लगाएगी, पांचवा। फिर वो पूछेगी कि इस समाज के आचार्य लोग, उपाचार्य लोग मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर हां बोला तो उनके पास आ जाएगी, नहीं तो वापस। और आखिरी चक्कर सातवां जब लगाएगी तो वो पूछेगी कि क्या पुरोहित, पुरोहित हम समझते हैं पूजा पाठ कर, क्या पुरोहित मेरी जिम्मेदारी लेंगे? अगर पुरोहितों ने हां बोला तो उनके पास आएगी, नहीं तो चक्कर लगा के गांव छोड़ के चली जाएगी और गांव कहेगा कि वो सती हो गई। ये है सती होना। और इसको बिगाड़ दिया अंग्रेजों ने, क्या कहा कि उसको जबरदस्ती चिता में धकेल देंगे और ये कर देंगे, फिर वो जाती कहां है? उसके पीछे पीछे मैं गया
तो उस गांव का कोई मंदिर होगा, वहां जाएगी और अपना बाकी जीवन उसी मंदिर में बिताएगी। वो ये कहती है कि जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो अब भगवान मेरे लिए जिम्मेदारी लेंगे, तो मंदिर में जाके पूजा करेगी, पाठ करेगी, अपना जीवन उसी से चलेगा उसका। और जैसे ही वो मंदिर में जाके पाठ पूजा करने लगेगी तो समाज की आदरणीय हो जाएगी और सब उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे। फिर हम गोंड लोग कहेंगे कि ये हमारी सती है। हम उसको एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, वो पति के साथ जिंदा जला दी गई, वो सती है। सती होना कोई ऊंचा कर्म रहा है इस देश में, हम उसको समझ नहीं पाए। अंग्रेजों ने जो डिस्क्रिप्शन दे दिया उसी को अंतिम मान के हमने अपना मान लिया कि ऐसा ही कुछ होता होगा। ये होता है, और ये सिर्फ गोंडों में ही नहीं होता, भीलों में भी होता है। गोंड हैं, भील हैं, जितने तरह की जनजातियां हैं, ज्यादातर में ये होता है। तो मैकॉले कह रहा है कि भारत में तो स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा है, परिवार में ऊंचा है, समाज में ऊंचा है, भाषा उनके यहां से निकली है, फंक्शनल नॉलेज उन्होंने समाज को दिया है, इसलिए इनके लिए तो सब कुछ विशेष होता है। इसलिए गुरुकुलों में आचार्य स्तर पर बहुत स्त्रियां हैं, ये हैरानी की बात नहीं है। वो कहता हमारे समाज में उल्टी स्थिति है, स्त्रियों का स्थान सबसे नीचे है, इसलिए हमारे यहां हर काम में वो सबसे पीछे है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो मैकॉले के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, और विलियम एडम ने इससे भी ज्यादा कुछ खोज की है, और उसके डॉक्यूमेंट्स इससे भी आगे की कई बातें बताते हैं कि भारत के ये जो गुरुकुल हैं, इन गुरुकुलों का योगदान क्या है समाज में। तो विलियम एडम ने एक गुरुकुल की कहानी लिखी है अपने दस्तावेजों में, आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी के पास विशाखापट्टनम से थोड़ा दूर एक गुरुकुल है, उसका नाम गांव का मैं भूल रहा हूं। तो वो गुरुकुल है, उसने क्या योगदान दिया है, तो वो कहता है विलियम एडम कि ये जो गुरुकुल है ये बहुत पुराना है और उसके दस्तावेज पुराने हैं, 12वीं शताब्दी का वो गुरुकुल है, और वो गुरुकुल है सिविल इंजीनियरिंग का, कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियरिंग का। तो कहता है इसका योगदान क्या है, तो विलियम एडम कहता है कि इस गुरुकुल के विद्यार्थी और आचार्यों ने मिलकर कावेरी नदी पर एक डैम बनाया है, बांध बनाया है, जो दुनिया का सबसे पहला बांध है। मुझे नहीं मालूम था विलियम एडम के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के पहले कि दुनिया का सबसे पहला बांध भारत में बना है। फिर जैसा उसने डिस्क्रिप्शन दिया है उसको खोजते खोजते मैं पहुंच गया एक दिन, और अपनी आंखों से देख के आया कि वो डैम अभी तक जीवित है। उस डैम पर तेलुगु भाषा में एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर तारीख है सन 1238 में वो बना है, आज से लगभग 800 साल पुराना है। और वो डैम की विशेषता क्या है, पत्थर और चूने से बना है, और आप जानते हैं दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रवाह वाली नदी है कावेरी। कावेरी जो है ना पेरेनियल रिवर है, साल के 12 महीने पानी रहता है उसमें, और पानी का फ्लो सबसे तेज है और पानी का दबाव भी उसका सबसे तेज है। तो कावेरी नदी पर जहां सबसे तेज गति से पानी बहता है उस नदी पर बांध बना दिया। बांध की लंबाई कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी है, लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है, 1.5 किलोमीटर लंबा बांध है। और बांध बनाया कैसा है, ऐसा है जैसे जेड होता है ना, जेड ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जेड शेप में पूरा बांध है। तो वो वर्णन कर रहा है विलियम एडम कि ये गुरुकुल के विद्यार्थी और आचार्यों ने बनाया है, इसकी विशेषता क्या है। तो विशेषता ये है कि ये जेड शेप में है। जेड शेप में क्यों बनाया, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बना दिया, एक रेखीय रेखा में क्यों नहीं बना दिया, तो कहता इसका जवाब मुझे नहीं मालूम क्यों बनाया। बहुत दिन मैं भी सोचता रहा कि ऐसा क्यों है, अब मेरे समझ में आया थोड़े दिन पहले कि ये जब सीधी रेखा में आप कोई दीवार बनाए और पानी बहुत तेज गति से आए तो दबाव इतना ज्यादा है कि बहुत जल्दी वो टूट जाएगा, लेकिन अगर आप उसी सीधी रेखा की दीवार को ऐसे ऐसे कर दो तो पानी का प्रेशर डाइवर्ट हो जाएगा और वो डैम कभी भी नहीं टूटेगा। अब समझ में आया कि वो 825 साल से कैसे जिंदा है। तो वो बोल रहा है कि ये एक गुरुकुल ने बनाया हुआ है और वो गुरुकुल विशाखापट्टनम के नजदीक कभी चला करता था। मैं जब गया इसको देखने के बाद हैदराबाद लौटा तो उनकी जो आर्काइव्स है उसमें गया तो आर्काइव्स में उसके डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल गए और गजट में भी इसके बारे में वर्णन है।
तो वो कह रहा है विलियम एडम कि भारत के गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी और उनको पढ़ाने वाले आचार्य कितने समाज के काम करते हैं, उसका ये नमूना है। राजा डैम नहीं बनाते, विद्यार्थी और उनके अध्यापक मिलकर डैम बना देते हैं। और विलियम एडम लिख रहा है कि भारत में ऐसे हजारों तालाब गांव गांव में विद्यार्थियों ने और उनके अध्यापकों ने बना दिए, ऐसी हजारों गौशालाएं गांव गांव में विद्यार्थियों ने और अध्यापकों ने बना दी, ऐसी हजारों समाज उपयोगी चीजें जैसे धर्मशालाएं, कुएं, पानी की रहट, ये सब विद्यार्थियों ने अध्यापकों के साथ मिलकर बना दिए। तो विलियम एडम कह रहा है कि भारत के गुरुकुल सिर्फ शिक्षा का केंद्र या विद्या का केंद्र ही नहीं है, ये गुरुकुल अपने विद्यार्थी और अध्यापकों के साथ मिलकर समाज के इतने बड़े काम कर रहे हैं जो वर्षों वर्षों तक भारत के लोगों के उपयोग में आने वाले हैं। तो इस तरह की थी हमारी शिक्षा व्यवस्था। अब क्या हुआ, इस शिक्षा व्यवस्था को जब मैकॉले ने पूरे ठीक से डिस्क्राइब किया लंदन में, तो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सभी सांसदों ने कहा कि अगर ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में है तो भारत तो बहुत समृद्धशाली है, पैसे वाला है, ये हमें समझ में आता है। कई गुरुकुलों का उसने वर्णन किया है जो कृषि विज्ञान सिखाते हैं, कृषि शास्त्र सिखाते हैं। तमिलनाडु के कई गुरुकुलों का जिक्र है जिसमें कृषि विज्ञान ऐसा सिखाया जाता है जहां एक एकड़ में 56 क्विंटल चावल पैदा होता है, उसकी विद्या वो सीखते हैं वहां पर। आज भारत में जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है ना, वो एक एकड़ में 30 क्विंटल से ज्यादा धान कभी पैदा करके दे नहीं पाए, लेकिन 1835 में विलियम एडम कह रहा है कि एक एकड़ में 56 क्विंटल धान पैदा करना तो सामान्य बात है। और ऐसी शिक्षा देने वाले, विद्या देने वाले सैकड़ों गुरुकुल भारत में है। तो कुछ कृषि सिखाते हैं, कुछ मेटलर्जी सिखाते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में सिखाते हैं, कुछ और कुछ सिखाते होंगे, ऐसे 18-20 विषयों के सारे ये गुरुकुल हैं। तो वो कह रहा है कि भारत सुखी है, समृद्धशाली है, वो इन गुरुकुलों के कारण। तो वो कह रहा है कि अब भारत को अगर गुलाम बनाना है तो इस शिक्षा व्यवस्था को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक भारत गुलाम बनता नहीं। तो फिर उसको पूछ रहा है इंग्लैंड का राजा कि अब आपके पास क्या योजना है। तो कह रहा है कि मेरे पास एक योजना है कि हमारी जो सरकार भारत में चल रही है उसको आदेश दिया जाए कि भारत के ये जो गुरुकुल हैं, इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम वो कहते हैं इसको, भारत का स्थानीय शिक्षा तंत्र। तो कह रहे हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है या इंडिजिनस एजुकेशन सिस्टम है, इसको कानून बनाकर हम गैर कानूनी घोषित कर देंगे, इल्लीगल, कि ये सब कुछ अवैधानिक है, गैर कानूनी। उसके लिए कानून बना देंगे लंदन में, यहां से वो चला जाएगा भारत में, उसको लागू करा देंगे, थोड़े दिन में ये सब गुरुकुल बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास जब कानून आ जाएगा तो कानून के डंडे से हम इनको बंद करा देंगे कि ये इल्लीगल है, बंद करो। नहीं बंद करेंगे तो दंड देंगे उनको, थोड़े दिन में दंड देते देते अपने आप बंद हो जाएंगे। तब अंग्रेजों की संसद ने एक कानून बनाया जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट, और वो पारित हुआ, बाद में भारत की संसद में पारित हुआ और उसको लागू किया गया। तो उसमें तय ये किया गया कि जितने भी गुरुकुलों में संस्कृत माध्यम से विद्या सिखाई जाती है वो सब गैर कानूनी। फिर कहा गया कि जितने भी गुरुकुलों में स्थानीय भाषाओं की मदद से जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, इनके माध्यम से विद्या दी जाती है वो भी गैर कानूनी। तो कानूनी क्या, कानूनी वो जहां अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है वो कानूनी। तो मैकॉले ने क्या किया, ये कानून लागू करा के फिर भारत के गुरुकुलों पर डंडा चलाया, बुलडोजर चलवाए, एक एक करके उनका नाश किया। जहां गुरुकुल बंद नहीं हो पाए वहां के अध्यापकों को जेल में डाल दिया, विद्यार्थियों को जेल में डाल दिया। कई कई जगह तो अत्याचार इतने हुए कि अध्यापकों के हाथ काट दिए गए, सिर काट दिए गए, कई कई गुरुकुलों में आग लगा दी गई, उनके पुस्तकालय जला दिए। ये सब अंग्रेजों ने अत्याचार 100 साल तक किया, 1840 से 1940 तक। इधर वो अत्याचार करते गए, भारत के गुरुकुल खत्म होते गए, दूसरी तरफ उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल शुरू किए जो यूरोप में आज भी चलते हैं और किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाए जाते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं कि जो अंग्रेजी दस्तावेजों का मैं अध्ययन कर रहा हूं उसमें से एक और दस्तावेज है, ये कॉन्वेंट क्या होता है। यूरोप में एक बहुत खराब परंपरा है,
जो अभी 1950 तक चलती रही, जैसे स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं, स्त्रियों में आत्मा नहीं, वो बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी, सभी देशों में, कि बच्चों को घर में रखना नहीं, बच्चे पैदा हुए तो अनाथ आश्रम में देना, ये उनकी पुरानी परंपरा है। और कई लोगों ने तो क्या किया है कि बच्चों को पैदा होते ही घर के बाहर टोकरी में रख दिया कि अनाथ आश्रम का कोई आएगा उठा ले जाएगा, लेकिन कई बार कुत्ते उठा ले जाते हैं उसको, भेड़िए उठा ले जाते हैं। यूरोप का जो आधुनिक फिलोसोफर्स में एक माना जाता है ना, रूसो, उसके 5 बच्चे पैदा हुए, 4 को उसने ऐसे ही छोड़ दिया घर के बाहर टोकरी में रख के, 2 को कुत्ते खा गए, 2 को अनाथ आश्रम वाले ले गए। यूरोप में ये बहुत पुरानी परंपरा है बच्चों को लावारिस छोड़ना। क्यों छोड़ना? तो प्लेटो कहता है कि स्त्री और पुरुष के आनंद के क्षणों में बच्चे बाधा हैं, इसलिए मत रखो घर में। ये प्लेटो की शिक्षा है, वो कहता है कि अच्छे नहीं है बच्चे घर में रखना। और वो ये कहता है कि जीवन का चरम तो आनंद ही है, और वो भी शरीर का आनंद है। वो कहता है जीवन तो इसी के लिए मिला है कि हम शारीरिक आनंद की प्राप्ति करें, और बच्चे इसमें बाधा है, तो बच्चों को रखना नहीं घर में, तो छोड़ देना। तो वहां बच्चे छोड़ने की परंपरा है। अब बच्चे छोड़े जाते हैं तो राजा उनकी व्यवस्था करे छोड़े हुए बच्चों की, तो राजा कुछ संस्थाएं खड़ी करता है, उन संस्थाओं को कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों को पालने वाली संस्थाएं, अनाथ बच्चों को पालने वाली संस्थाएं। कॉन्वेंट माने अनाथ बच्चों के स्कूल, लावारिस बच्चों के स्कूल। तो यूरोप में ये कॉन्वेंट चलते हैं। तो ये मैकॉले कह रहा है कि भारत में भी यही चलाएंगे। तो कोई सांसद उससे पूछ रहा है कि भारत में कोई अनाथ होता है? उसने कहा होता तो नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे। होता तो कोई नहीं है, क्योंकि भारत में किसी बच्चे के माता पिता भी मर जाएं तो उसके चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, मामा मामी हैं, मौसा मौसी हैं, बुआ फूफा है, कोई तो लेगा उसको। यूरोप में तो है माता पिता तो भी छोड़ देंगे। तो यूरोप में ये जो लावारिस बच्चे हैं, इनको पालने के लिए कॉन्वेंट खड़े किए जाते हैं। कॉन्वेंट को चलाने वाले ज्यादातर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट होते हैं या चर्च होता है। राजा चर्च को दान देता है और उस पैसे से ये सब चलते हैं। तो सबसे पहला कॉन्वेंट इस मैकॉले ने भारत में खुलवाया, कलकत्ता में। और उस कॉन्वेंट में कोई पढ़ने नहीं आता था, तो इसने दूसरा कानून बनवाया कि जो भारतवासी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज सरकार की नौकरी करेंगे और कलकत्ता में रहेंगे, उनको अपने बच्चे यहां भेजना आवश्यक है, नहीं तो नौकरी जाएगी। तो जबरदस्ती भारतवासी जो उनके यहां काम करते थे, उन्होंने अपने बच्चे भेजना शुरू किया। फिर धीरे धीरे एक कॉन्वेंट से 2 हुआ, 2 से 3 हुए, 3 से 10, 10 से 20, 50, 100, अब हजारों हो गए। अब भारत में ऐसा कोई गांव नहीं जहां कॉन्वेंट नहीं। तो मैकॉले ने एक विष बीज डाल दिया जो अभी वट वृक्ष बन के फैल गया। अब तो ऐसे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल हैं इस देश में, बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल, आपको देखना हो तो मैं दिखा सकता हूं आपको। बंबई में है, ग्रांट रोड के पास है, रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटा हुआ, बजरंग बली कॉन्वेंट स्कूल। हां, और एक कॉन्वेंट स्कूल है संतोषी माता कॉन्वेंट स्कूल, एक है सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल, एक महावीर स्वामी कॉन्वेंट स्कूल खुला है अभी बेंगलोर में, जबरदस्त। अब इनको पूछो चलाने वालों को कि बजरंग बली का कॉन्वेंट से क्या रिश्ता है, या सरस्वती देवी कब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने गई थी। मूर्खों के मूर्ख इस देश में पैदा हो गए, ना तो अंग्रेज है ना तो हिंदुस्तानी है, खिचड़ी बन के इस समाज में पड़े हुए हैं। ना उसमें से आप चावल निकाल सकते हैं, ना मूंग की दाल का दाना निकाल सकते हैं। ये खिचड़ी लोगों ने देश का सत्यानाश कर दिया। ये सब मैकॉले की संतान है। मैकॉले तो छोड़ गया कुछ, जब अंग्रेज गए थे ना तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 350 कॉन्वेंट स्कूल थे 15 अगस्त 1947 तक। अब शायद वो 30-35 हजार हो गए हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब यूरोप में जो कॉन्वेंट स्कूल है, वैसी ही शिक्षण यहां हो रहा है। यूरोप में क्या होता है ना, मैंने आपसे कहा कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, तो वहां जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको सिखाया जाता है कि देखो ये जो अध्यापक है वो अध्यापक नहीं है, ये फादर है, ये मदर है, क्योंकि असली का पता नहीं। असली का तो कुछ पता नहीं, लावारिस है किसका है, बाप उसका और कौन है उसकी माँ,
तो स्कूल में जो पढ़ाने वाले होते हैं ना टीचर, तो पुरुष है तो फादर, माने ओल्ड एज है तो फादर, और यंग एज है तो ब्रदर, और ओल्ड लेडी है कोई तो मदर, और यंग लेडी है तो सिस्टर। तो कॉन्वेंट में उनको बुलवाते हैं, ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है, क्योंकि असली नहीं है। अब हमने भारतवासियों ने बिना सोचे नकल कर लिया उसका। हमारे यहां तो घर में है असली, और कॉन्वेंट में जा रहा है बच्चा तो वहां हो गए नकली, और वहां उसको मदर फादर ही बोलना पड़ता है। अब भारतीय परंपरा में यह है कि किसी बच्चे की दो माताएं तो हो सकती हैं, बाप दो नहीं होते कभी। भगवान कृष्ण की दो माताएं थी, एक ने जन्म दिया एक ने पाला। रामचंद्र जी मानते हैं कि मेरी तीन माँ हैं, एक ने जन्म दिया है बाकी दो प्रेम दे रहे। तो माताएं दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, बाप हमेशा एक ही होता है। अब हमारे कॉन्वेंट में पढ़ने वाले नौनिहालों के हरेक के दो दो बाप हैं। एक तो घर में है असली और दूसरे है वहां नकली। और मैं आपको अंग्रेजी की एक शब्द की व्याख्या करता हूं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जो गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बास्टर्ड। बास्टर्ड वही होता है जिसके दो बाप होते हैं। तो हमने अपने अपने नौनिहालों को सबको बास्टर्ड बनाने का धंधा शुरू कर दिया है, और बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंट मैरी कॉन्वेंट में जाता है, जीसस कॉन्वेंट में जाता है, फलाने कॉन्वेंट में, ढिमा के कॉन्वेंट में। फिर उन कॉन्वेंटों में बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र चीजें सिखाई जाती हैं। आजकल सिखाया जाता वैलेंटाइन डे, सेलिब्रेट करो वैलेंटाइन डे। ये वैलेंटाइन का किस्सा क्या है? वैलेंटाइन का किस्सा ये है कि यूरोप में, मैंने कहा ना बच्चों को साथ रखने की परंपरा नहीं है, ऐसी ही एक बहुत खराब परंपरा है बिना शादी के साथ रहने की। एक शब्द चलता है यूरोप में लिव इन रिलेशनशिप, माने शादी तो करनी नहीं है लेकिन साथ में रहना है। और ये क्यों ऐसा है? इसमें छुटकारा आसान है, सवेरे किया शाम को निकल गए, कहीं दूसरे के घर में घुस गए, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। तो जैसे कुत्ते घूमते रहते हैं ना ऐसे। लिव इन रिलेशनशिप माने कुत्ता संस्कृति। लेकिन मुझे कई बार लगता है भारतीय कुत्तों से भी ज्यादा खराब यूरोपियन कुत्ता संस्कृति। भारतीय कुत्ते फिर भी थोड़े वफादार हैं, यूरोप वाले तो उतने भी नहीं है। तो ये लिव इन रिलेशनशिप का चक्कर बहुत है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पहले से और आज तक यूरोप की 70% प्रजा बिना शादी के रहती है, बिना शादी के रहते। आप अभी भी जाके देख लो लंदन में, पेरिस में, कहीं भी, अमेरिका में तो ये प्रतिशत 78% है बिना शादी के रहते। अब बिना शादी के रहते हैं तो पत्नियां बदलती हैं, माफ करो पत्नी तो हो ही नहीं सकती, स्त्रियां बदलती रहती हैं। उनको वो विचित्र विचित्र नामों से संबोधित करते हैं। इंग्लैंड में एक नाम चलता है मिसिज, मिसिज लॉयड, मिसिज टोपनो, मिसिज ये, मिसिज वो, माने ये उसकी रखेल है जिसके नाम से कहा। मिसिज माने पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला जिसके साथ आप बिस्तर शेयर करते हैं वो सब मिसिज होती है। तो वहां तो ये है सारा खेल, स्त्रियां तो शादी के बिना, पुरुष तो शादी के बिना। तो कभी कभी बीच बीच में यूरोपियन लोगों को कुछ अच्छे विचार भी आ जाते हैं। तो चौथी शताब्दी में, आज से लगभग 1600 साल पहले, एक व्यक्ति पैदा हो गए रोम में, उनका नाम था वैलेंटाइन। वो चर्च के पादरी हो गए। उन्होंने भारत का साहित्य कुछ पढ़ा। भारतीय साहित्य बहुत जगह फैला है हम सब जानते हैं, तो वो पढ़ लिया, उनके विचार बदल गए। उनका कहना है कि सबको शादी करके ही रहना चाहिए, और वो प्रचार करने लगे गांव गांव घूम के कि भाई शारीरिक संबंध बनाओ तो पहले शादी करो। तो राजा जो था उस समय, क्लॉडियस नाम का एक राजा था रोम में, वो कहता था आप ये क्या बकवास करते हैं। वो कहते थे ये बकवास नहीं है, बहुत अच्छी जीवन पद्धति है, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, सब जगह यही चलती है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, स्त्रियां बहुत अच्छी हैं, आप भी अगर इसमें आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, बीमारियां कम हो जाएंगी वगैरह वगैरह, समाज व्यवस्थित हो जाएगा। तो वो घूमते थे गांव गांव, प्रचार करते थे भाई शादी करो शादी करो शादी करो। और राजा जो होता था वो रोकता था कि शादी क्यों करना, हमारी तो परंपरा है बिना शादी के रहना। तो राजा और वैलेंटाइन का झगड़ा चलता था।
तो वैलेंटाइन साहब क्या करते थे कि जो भी शादी करने को तैयार हुआ उसको अपने चर्च में बुलाते थे और उसकी शादी करते थे। ये सिलसिला उन्होंने 20-25 साल चलाया। अब वो राजा बहुत परेशान हो गया, तो एक दिन उसने वैलेंटाइन को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। तो 14 फरवरी सन 498 को वैलेंटाइन को फांसी पर लटका दिया गया। तो जिनकी उन्होंने शादियां कराई थी वो बहुत दुखी हो गए, तो उनकी याद में उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाना शुरू कर दिया। तो ऐसे वैलेंटाइन डे आया। अब उनके कॉन्वेंट में वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अब हमारे भी कॉन्वेंट में चालू हो गया वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे यहां तो कोई समस्या नहीं है शादी करके रहने की, वहां तो शादियां ही नहीं होती हैं। अब हमारे स्कूलों में वैलेंटाइन डे मनाता है तो बच्चे क्या करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड खरीदते हैं, अपनी अम्मा को देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन, फिर बाप को भी दे देते हैं, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। इन मूर्खों को पता ही नहीं कि वैलेंटाइन थे कौन, इसका मतलब क्या है। अम्मा को पूछ रहे हैं वुड यू बी माई वैलेंटाइन। अभी थोड़े दिन पहले बंबई में मैं एक बुजुर्ग आदमी को मिला जिनकी 75 साल की उम्र है, उनके पास 18 ग्रीटिंग कार्ड आए वैलेंटाइन डे पर, और सब में एक ही बात, वुड यू बी माई वैलेंटाइन। 75 साल के बुजुर्ग आदमी से लड़कियां पूछ रही वुड यू बी माई वैलेंटाइन। ऐसा अधकचरापन है। ये सब कॉन्वेंट में से हमारे बच्चे सीख सीख के निकल रहे हैं। और इन कॉन्वेंट स्कूलों में क्या क्या सब सिखा दिया, वो कहता था ना मैकोले ये कहता था कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल हम चलाएंगे इनमें शिक्षा मिले ना मिले, संस्कार अंग्रेजियत के हम जरूर देंगे। तो क्या होगा, तो कह रहा है वो कि भारतवासी जितने साल इसमें से पढ़कर निकलेंगे ना, तो वो शरीर से दिखने में भारतीय होंगे, आत्मा से अंग्रेज हो जाएंगे, फिर यही हमारी मदद करेंगे और भारत को गुलाम बनाए रखने में व्यवस्था करेंगे। तो संस्कार देना है उनको तो अपना, तो वो दे रहे हैं। अब वह जो कॉन्वेंट में वैलेंटाइन डे सिखा दिया, फिर उन्होंने पता नहीं मदर्स डे सिखा दिया, फादर्स डे सिखा दिया। मदर्स डे पता है क्या होता है यूरोप में, यूरोप में एक और बहुत पुरानी परंपरा है, प्लेटो के समय से चली आ रही है कि बच्चे जब पैदा हुए ना तो घर में तो रखने नहीं है, बाहर छोड़ देने हैं, तो उन बच्चों को मां का दूध नसीब नहीं है। तो चर्च में जो होती है ना सिस्टर्स होती है, वो अपना दूध उनको उपलब्ध कराती है। अब आप में से कई लोगों को यह प्रश्न होगा कि बायोलॉजिकली यह संभव कैसे है, वो नर्स तो मां बनी नहीं तो उसको दूध कैसे आएगा। लेकिन अभी आधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई बच्चा लगातार 2-3 दिन तक बिना विवाहित किसी महिला को लगातार स्तनपान करे तो 4th-5th दिन से दूध आना शुरू हो जाता है। तो उनके यहां नर्सिंग जो होती है वो सिस्टर्स के द्वारा होती है या नर्सिस के द्वारा होती है, मां नहीं करती है। लेकिन कभी कभी साल में कोई एक दिन मनाना हो तो वो मदर्स डे मनाते हैं, जिस दिन मां अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए वहां जाती है कॉन्वेंट, तो उनके यहां मदर्स डे होता है। ऐसे ही उनके यहां फादर्स डे होता है। फादर्स डे का चक्कर क्या है, यूरोप के बच्चे वैसे तो घर में रहते नहीं, जो गलती से किसी ने रख लिए तो उनको अपने बाप के साथ खाना खाने का अधिकार नहीं है, डाइनिंग टेबल पर अपने बाप के साथ वो नहीं बैठ सकते। बाप अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खाएगा दोस्तों के साथ, जब वो चला जाएगा खाना खाके तो बाद में बच्चे डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। लेकिन साल में कोई एक दिन वो फिक्स करते हैं जब बच्चे बाप के साथ बैठे डाइनिंग टेबल पर, उस दिन वो फादर्स डे मनाते हैं। अब उनके मदर्स डे, उनके फादर्स डे, उनके ब्रदर्स डे, उनके सिस्टर्स डे या उनका वैलेंटाइन डे, उसके पीछे कुछ कहानियां हैं। हम बिना सोचे समझे अंधों की तरह से इस पे लग गए हैं। कई बार मैं देखता हूं अजमेर जैसे शहर में, जयपुर जैसे शहर में मदर्स डे पे रैली निकाली जा रही है, प्ले कार्ड लेके बच्चियां अपने अपने हाथ में जा रही हैं, स्कूल कॉलेज उनका छुड़वा दिया जाता है, और ये सब मूर्ख सरकारी अधिकारी किया करते हैं। फिर फादर्स डे पे निकालते हैं, फिर इस पे निकालते हैं, ये सब तमाशेबाजी। ये मैकॉले हमारे यहां छोड़ के गया और वो बार बार कहता था कि हमें संस्कार देना है, शिक्षा दे पाए ना दे पाए वो महत्व का नहीं, अंग्रेजियत का संस्कार देना। तो वो दे गया, अब वो हमारे खून में घुस गया और इतना घुस गया है कि कुछ समझ में नहीं आता ये निकले कैसे। कई बार मैं किसी के घर में जाता हूं तो पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं कि ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया।
या रामदयाल और गायत्री देवी की बेटी का नाम डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली। क्या है बबली का मतलब, क्या है डबली का मतलब, इस तरह के नाम हमने रखे हुए। घुस गई अंग्रेजियत हमारे घर में। हम सब मातृभाषा में और रोज घर में बोलते हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसिस। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसिस? क्योंकि यूरोप में मिसिस का माने धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, और उनकी धर्म पत्नी कहती हो राजीव दीक्षित ही इज माई मिस्टर। तो मैं पूछता हूं रियली? क्योंकि यूरोप में मिस्टर का माने पति को छोड़कर कोई भी पुरुष, और मिस तो बहुत ही खराब है। मिस है फ्रेंच शब्द है, मिस का माने एक ऐसी महिला जो जिंदगी भर वैश्यावृत्ति करे, शादी ना कर सके, वो मिस है। हम बड़े गर्व से लिखते हैं मिस फलाना, मिस ढिमाका, मिस ये, मिस, बिना सोचे समझे। और सबसे खतरनाक शब्द यूरोप में है अंकल, सबसे खतरनाक है, क्योंकि जिसके बारे में आपको कुछ बताना ही नहीं हो उसको अंकल बोल दो, जिसके बारे में नहीं बताना हो उसको आंटी बोल दो। हमारे यहां अंकल आंटी कैसे हो सकते हैं, या तो चाचा होंगे, या तो काका होंगे, या तो मामा होंगे, या तो मौसा होंगे, या तो ताऊ होंगे, सब कुछ हमारे यहां निश्चित है। अंकल तो बहुत ही अनिश्चित शब्द है, आंटी तो और भी। मैं कॉलेज छोड़ गया तो हमने अपने बच्चों से मम्मी बोल, डैडी बोल, ये बुलवाना शुरू कर दिया। मम्मी का मतलब है मरा हुआ, और डैडी मरे हुए जैसा, और बड़े शौक से बुलवाते मम्मी बोल, डैडी बोल। अब यूरोप में जो भूषा थी ना वो हमारे कॉन्वेंट में घुस गई। यूरोप में क्या टाई लगाना है, सूट पहनना, क्योंकि ठंड बहुत है। हमने यहां 50 डिग्री टेम्परेचर वाले अजमेर में भी टाई लगवा दिया सबको, इतनी भयंकर गर्मी है, अंदर से पसीना पसीना हो रहा है। और कभी कभी तो रोज में ये दृश्य देखता हूं, एक दूल्हे राजा जून की गर्मी में शादी करने जा रहे हैं, 3-पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं। उनको पूछो भाई तुमको सुपर इडियट बनने का यही दिन मिला है? कहता राजीव भाई एक दिन तो कर लेने दो, तो तुमको यही दिन मिला है अपनी शादी का? ऐसे हमारी भाषा बदल दिया, भूषा बदल गया, भोजन बदल गया। कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे सीख रहे हैं पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, हॉट डॉग खाओ, कोल्ड डॉग खाओ, चाउमीन खाओ, नूडल्स खाओ। तो उनका भोजन, उनकी भाषा, उनकी भूषा, उनका भजन, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, सब कुछ घुस गया। अब ये कर दिया सब बंटा था, अब ना तो हम भारतीय रह पाए ना अंग्रेज बन पाए। अगर कोई सभ्यता खिचड़ी बन जाए उसका भविष्य बहुत खराब होता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि या तो हम भारतवासी पूरी ताकत लगा के अपने को अंग्रेज बना लें, नहीं तो पूरी ईमानदारी से भारतीय हो जाएं, ये अधकचरे ना रहे पीछे, क्योंकि इस अधकचरेपन ने हमारी जेनरेशंस को, पीढ़ियों को खत्म कर दिया। तो इस अंग्रेजियत के शिक्षा तंत्र ने जो यूरोप से आया क्या किया है आज हमारे देश में, एक दो और उदाहरण देता हूं। कॉन्वेंट स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं जिनमें बिल्कुल स्पष्ट बच्चों को सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि भगत सिंह तो आतंकवादी, ऊधम सिंह तो आतंकवादी, चंद्रशेखर तो आतंकवादी, और महाराजा रणजीत सिंह तो लुटेरे। आप जानते हैं सिख समाज के बहुत प्रतिष्ठित धर्मगुरु महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि मुसलमानों से भी इस देश को बचाया, उनको लुटेरा। हमारे भारत में एक जाति है जिसको जाट कहते हैं। जाटों के बारे में अंग्रेज ये कहा करते थे कि इनकी ताकत बहुत है, इसलिए उन्होंने जाट रेजिमेंट बनाया। आपको मालूम है जाट रेजिमेंट? ऐसे ही जाटों के पैरेलल महाराष्ट्र में है मराठा, वो भी एक तरह से जाट ही है। तो मराठा रेजिमेंट बनाया, जाट रेजिमेंट बनाया, क्योंकि इनमें ताकत बहुत है। इनका जो डीएनए है ना बहुत स्पेशल किस्म का है, लड़ना, लड़ाना, मारना, मरना, उनको इसमें मजा आता है। कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, हाँ किसी के लिए भी जान दे देंगे, ऐसे लोग। तो जाटों को अंग्रेजों ने लिख मारा और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम।
अब ये बच्चे बार बार पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ रहे हैं, तो थोड़े दिन में मान ही लेंगे कि हाँ भगत सिंह तो आतंकवादी था, उधम सिंह भी आतंकवादी था। क्योंकि एक झूठ को आप बार बार कहो, बार बार कहो, बार बार कहो, तो 10-20 साल में सत्य तो हो ही जाएगा। एक कॉन्वेंट स्कूल की हिस्ट्री की किताब में मैं पढ़ के आया, और वो किताब मैंने संभाल के रखी हुई है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, और उसका जीवन चरित्र लिखा गया है कि वो एक अंग्रेज अधिकारी जॉन लेक के प्रेम और मोहब्बत में ही फंसी रही जिंदगी भर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे। ऐसी सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं। और धीरे धीरे हुआ क्या है, इन कॉन्वेंट स्कूलों के बनाए हुए सिलेबस को भारत सरकार ने सारे देश का सिलेबस बना दिया है, पूरे देश का। अब संसद में भले ही कितना हंगामा हो, लेकिन सरकार कहती है जी सत्य तो यही है, क्योंकि अंग्रेजों ने लिखा है, और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं सच्चे सत्यवादी तो अंग्रेज ही थे जो हमको ये सब सिखा के गए। ये स्थिति हमारे देश की है। तो ऐसी गंभीर स्थिति में हम सबको सोचना है, आज शिक्षक दिवस है, तो हम सब सोचें कि इस शिक्षा का क्या करें जो यूरोप से आई है और हमारे देश में जड़ जमा के बैठ गई है। मुझे बहुत कष्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, आप जानते हैं इनके पास सबसे ज्यादा भूमि है भारत देश की। मैंने संसद में एक प्रश्न करवाया था, आप यहां बैठे हैं, मेरे एक दोस्त हैं अखिलेश कुमार करके, गोरखपुर से, और उसके पास के क्षेत्र से सांसद हैं। मैंने कहा जरा ये पूछ तो लो कि भारत में सरकार के बाद किसके पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो उत्तर आया कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन चर्च और उनके कॉन्वेंट स्कूलों के पास ही है, रेलवे से भी ज्यादा जमीन इनके पास है, और हजारों हेक्टेयर जमीन एक एक रुपए के लीज पर दी गई है, हजारों हेक्टेयर, एक रुपए का लीज, दो रुपए का लीज, माने साल में वो एक ही रुपया देते हैं, हजारों एकड़ जमीन भारत की इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी मिल्कियत है। 1820 से अंग्रेजों की सरकार ने ये जमीन देना शुरू किया, 2006 तक ये अबाद गति से चालू है। हमारी ही जमीन है, हमारा ही पानी है, हमारे ही संसाधन है। पहले मैं क्या सोचता था कि इन कॉन्वेंट स्कूलों में डोनेशन बहुत देती होगी सरकार, लेकिन संसद में एक जब सवाल करवाया तो पता चला कि सरकार का डोनेशन तो 10% ही है, बाकी समाज का डोनेशन। अकेले मैं मुंबई का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, मुंबई का, मुंबई में जितने कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं उसमें 92% हिंदू समाज के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, 92%, 2.5% क्रिश्चियन समाज के हैं और बकाया में मुसलमान है। ये है स्थिति। तो 92% विद्यार्थी हिंदू समाज के जो पढ़ते हैं बंबई में कॉन्वेंट स्कूलों में, वो सब विद्यार्थी के मां बाप एक साल की फीस के रूप में 18,000 करोड़ रुपए देते हैं। आप सोचते हैं ये रकम कितनी बड़ी है, राजस्थान सरकार के बजट का लगभग आधा बंबई, सिर्फ बंबई के कॉन्वेंट। फिर कलकत्ता के कॉन्वेंट, मद्रास के कॉन्वेंट, हैदराबाद के कॉन्वेंट, दिल्ली के, इन सबको मैंने जोड़ना शुरू किया। फिर बी क्लास सिटीज के कॉन्वेंट, जैसे अजमेर है, जयपुर है, ऐसे शहर, फिर सी क्लास, कुल कॉन्वेंट स्कूलों में साल का भारतीय समाज के द्वारा 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन और फीस दी जा रही है, हमसे पैसा ले रहे हैं और हमारे ही बच्चों का दिमाग घुमा रहे हैं। और ऐसे ऐसे दिमाग घुमाए जाते हैं, एक कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ मैंने मुकदमा दाखिल किया हुआ है गुजरात हाई कोर्ट में। मामला क्या था, छोटे छोटे बच्चे वहां पढ़ने को आते हैं, तो उन बच्चों को लेने के लिए बस जाती है, तो ड्राइवर को कहा जाता है कि जानबूझ के बस बंद कर देना, तो कभी भी वो ड्राइवर बस बंद कर देता है। फिर बच्चों को कहता, देखो बस खराब हो गई, तुम्हारे भगवान का नाम लो, तो बच्चे का नाम लेते हैं हनुमान जी का, राम का, बस चालू नहीं होती। फिर वो कहता, देखो तुम्हारे भगवान तो कमजोर हैं, ये तो चालू नहीं हो रही, अब ईसा मसीह का नाम लो। जैसे ही बच्चे ईसा मसीह का नाम लेते हैं वो तुरंत स्टार्ट कर देता है। तो 3-3 साल के बच्चों के दिमाग में आ जाता है, अरे ईसा मसीह तो बहुत ताकतवर है। फिर वो बच्चे आके अपने घर में मम्मी पप्पा को बोलते हैं, अरे देखो हमारी बस खराब हो गई थी, हमने ईसा मसीह का नाम लिया, वो चालू हो गई। ये मैंने एक घर में एक बच्चे के मुंह से सुना, उस दिन मेरी आत्मा हिल गई, मैंने कहा ये हो क्या रहा है।
आज मैं आपके यहां आने से पहले शाहपुरा एक छोटे से नगर में था, तो वहां पर राम सनेही संप्रदाय के एक बड़े संत हैं। उन्होंने तो कहा कि इतना ही नहीं होता, कॉन्वेंट स्कूल में आगे भी होता है। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, जिनके मन भोले भाले हैं, उनको एक खेल खिलाया जाता है कि उनके राम और कृष्ण है ना, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं मेटल्स की और बच्चों को दिया जाता है। फिर वो कहते हैं कि स्विमिंग पूल में इनको तैराओ, तो बच्चे उनको डाल देते हैं, वो सब डूब जाती है क्योंकि मेटल्स की। तो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान डूब गए। फिर उन्हीं छोटे छोटे बच्चों को काष्ट की मूर्तियां दी जाती हैं लकड़ी की, ईसा मसीह की, कहते हैं तैराओ, तो वो तैरने लगती है। तो बच्चों को कहते हैं देखो ईसा मसीह इतने ताकतवर हैं कि वो तैर सकते हैं, राम कृष्ण तो डूब गए तो तुमको भी डूब। तो लोकमान्य तिलक की इस बात को फिर याद करें, दुश्मन हमसे ताकतवर है, बहिष्कार करो और असहयोग करो। बाद में गांधी जी ने उसको और तेज से कहा। हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं यूरोपियन, तो इसके लिए असहयोग करो और बहिष्कार करो। मतलब मैंने आपसे कहा कि 92% विद्यार्थी हमारे हैं जो वहां पढ़ने जा रहे हैं, इनको रोको। और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम उसको बास्टर्ड नहीं बनाएंगे। वो इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, कम से कम बास्टर्ड तो ना बने। इतना अपमान तो ना करें हम अपने पिता का। तो हम नहीं भेजेंगे हमारे बच्चों को, तो फिर कहां भेजेंगे? जो हमारे स्कूल चलते हैं उनमें भेजेंगे। फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविधाएं कम है, बढ़ जाएंगी। जब धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतीय स्कूलों की तरफ होगा तो सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। आप सोचो 18,000 करोड़ रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलता है, इतना ही रुपया आर्य समाज के गुरुकुलों को मिल जाए या सनातन समाज के लोगों को मिल जाए या किसी और संस्थाओं को मिल जाए जो भारतीयता आधारित गुरुकुल चलाते हैं, तो वो सुख सुविधाओं वाले हो जाएंगे। वो तो धन के प्रवाह को बदलने की जरूरत है। अभी धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ है तो सुख सुविधाएं वहां ज्यादा हैं। हमारे स्कूल पानी से प्यासे हैं, बैठने को जमीन पे टाट पट्टी नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, सामान्य जरूरतों की चीजें जैसे संडास घर होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ये इसलिए कि धन की कमी है, धन का प्रवाह उस तरफ है, इसको मोड़ दो। तो समाज में एक बहस चले इस पर कि ये कॉन्वेंट स्कूल आए कहां से हैं, उनके यहां शिक्षा की क्या स्थिति रही है, तो शायद इसमें से एक समझ बने और ये समझ हिंदुस्तान में अगले 2-3 वर्षों में कोई अभियान का स्वरूप ले और ये अभियान हिंदुस्तान के इस विष बीज को उखाड़ कर फेंक दे, ऐसी भावना मेरे मन में है। मैंने इसके लिए एक और प्रयास शुरू किया है। बहुत लोग जब कहते हैं कि राजीव भाई विकल्प दो, तो हमने खुद अपने इस आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से 6 गुरुकुल बनाना शुरू किया है और वो लगभग 1 साल में शुरू हो जाए। उन सभी गुरुकुलों को वैसे ही पढ़वाना है जैसे कभी 200 साल पहले था। वही 18 विषय हमने चुने हैं जो 200 साल पहले पढ़ाए जाते हैं। और हमारे गुरुकुलों की ये मान्यता रही है कि शिक्षा और विद्या सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। पैसा है या नहीं ये महत्व का नहीं है, शिक्षा और विद्या हर एक के लिए। वो जाति का है, धर्म का है, इससे मतलब नहीं। हमारे गुरुकुलों में सभी तरह के विद्यार्थी। आप तो जानते हैं कि भारतीय शास्त्र कहते हैं कि शिक्षा, विद्या और न्याय और चिकित्सा सबको निशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो हमने सोचा है कि कम से कम शिक्षा और विद्या तो निशुल्क उपलब्ध कराएं, तो हमारे गुरुकुलों में हम फीस नहीं लेंगे। ये संकल्प से हम शुरू कर रहे हैं। फिर ये चलेंगे कैसे? इनको चलाने के लिए विद्यार्थियों को हर दिन 2 घंटे श्रम दान करना पड़ेगा। या तो 2 घंटे वो चरखा चलाएं, या तो 2 घंटे खेत में काम करें, या तो 2 घंटे वो साबुन बनाएं, मंजन बनाएं, वॉशिंग पाउडर बनाएं। उनको हम बिकवाएंगे और उसके लिए मार्केटिंग नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं पूरे देश में स्वानंद बाजार के नाम से। इनमें ये वस्तुएं बिकेंगी, उससे आमदनी होगी और गुरुकुल उससे चलेंगे। फीस किसी को नहीं देनी पड़ेगी। और हमारा ये मानना है कि जो विद्यार्थी 14 साल पढ़कर निकल गया, कम से कम हरेक के पास 2.5 से 3 लाख रुपए होगा जो उसके अपने श्रम की कमाई होगी, उससे वो अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकेगा। 2,000 रुपए की नौकरी के लिए नहीं भागेगा। और इन सारे गुरुकुलों को हम ज्ञान आधारित बना रहे हैं, डिग्री आधारित नहीं, क्योंकि ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री ऊंची नहीं होती कभी भी। अंग्रेजों ने हमको उल्टा फंसा दिया, ज्ञान आधारित हिंदुस्तान को डिग्री में फंसा दिया। अब हम किसी की भी परीक्षा लेते हैं तो भाई तुम्हारे पास डिग्री क्या है,
डिग्री कोई महत्व की नहीं होती। चरक ऋषि की क्या डिग्री थी, सुश्रुत ऋषि की क्या डिग्री थी, सांख्य दर्शन की जिन्होंने पूरे दुनिया को बता दिया उनकी क्या डिग्रियां थी, खगोल शास्त्र में इतने बड़े बड़े रिसर्च हो गए। आज दुनिया कहती है कि प्लूटो ग्रह नहीं है, हिंदुस्तानियों ने तो 14वीं शताब्दी में कह दिया था कि प्लूटो ग्रह नहीं, अब दुनिया मानती है कि प्लूटो ग्रह नहीं। सूर्य की दूरी पृथ्वी से कितनी है ये आज बोलते हैं, 9वीं शताब्दी में तो हिंदुस्तानियों को मालूम था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो ये जितनी महान बातें करने वाले लोग, इनके पास किसी के पास डिग्री नहीं थी, ज्ञान था। ज्ञान ऊंचा होता है, डिग्री नहीं होती। तो हम वही ज्ञान आधारित शिक्षा और विद्या लाना चाहते हैं। अभी शुरू में हम शायद माइनॉरिटी में होंगे, लेकिन हर माइनॉरिटी समय में मेजॉरिटी हो जाती है। कौन जाने कल को ये अभियान चल पड़ा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। शुरुआत तो एक दो से ही होती है, बड़ा होते होते तो बहुत बड़ा सागर बन जाता है। भगत सिंह तो अकेला था, फांसी पे गया, उसके साथ सुखदेव, राजगुरु अकेले थे। सबसे पहले तो मंगल पांडे अकेला था, क्योंकि उसकी छावनी में कोई मदद करने को तैयार नहीं। फिर देखो कि हजारों लाखों मंगल पांडे हुए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, हो सकता है थोड़े दिन में ये हजारों लाखों हो जाएं, लेकिन इसमें आप सबका प्रयास होगा तो होगा, अकेले हम करेंगे तो नहीं होगा। तो आप भी इसमें लगें, हम भी लगे हैं। और आप में से जो आर्य समाजी हैं उनके लिए तो ये बहुत आसान है। मैंने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है, आर्य समाज के जितने गुरुकुल भारत में चलते हैं उनको हम वो दे सकते हैं। हमारा उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का कंप्लीट राइट है, क्योंकि हम मानते नहीं कि ज्ञान पर किसी का विशेष अधिकार है। ज्ञान तो सबके लिए, मैंने कहीं से लिया, आपको दिया, आप किसी और को दे दीजिए। तो आर्य समाज के सभी गुरुकुलों को मैं दे सकता हूं और दूसरे गुरुकुलों को दे सकता हूं, वहां भी ये साथ साथ शुरू हो जाए, हम प्रयास करें, आप भी करें, तो हो सकता है 3-4 साल में इस देश की शिक्षा का ढांचा और दिशा दोनों बदल जाए। ऐसे अभीष्ट की कामना करके आपके पास आया, आपने बड़े ध्यान शांति से सुना, आपका आभारी हूं। इन बातों को किसी और को भी सुनाएंगे तो और आभारी रहूंगा। कुछ बातें ऐसी मैंने कही हो जो आपको अच्छी न लगी हो तो उनको यहीं छोड़कर जाइए, उसके लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद।